मैं इस बात के जांच से मना करता हूँ कि मराठी भाषा नहीं बोलता, इसलिए हिंदी में बात करूंगा। सरल आसान की जो बात हो और इसलिए भारत से ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, उद्योगों पर भी बढ़ रहे हैं, सभी के सामने भी कल समस्या रहा है। इन सब समस्याओं के पीछे जो मूल कारण है वो हमारे देश की सरकार है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता किया है, संधि किया है, उसका नाम है गैर करार WTO एग्रीमेंट। और उन शर्तों को हमारे देश की सरकार एक एक करके लागू कर रही है। अब शर्तें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जागतिक स्तर के सब होने की और समस्या हमारे लिए बहुत एक लागू करने की तैयारी कर रही है। उसमें से गैर करार की जो शर्तें हैं WTO की जो कंडीशन है उनमें से एक शर्त ये है कि भारत देश में फायदा बाजार को मान्यता दी जाए और उसको ऐसे ही स्थापित कराया जाए जैसे शेयर बाजार। साक्षर होने के पहले हमारे देश में ये मान्यता बाजार का ज्यादा कुछ चक्कर नहीं था। ये सब अमेरिका में यूरोप के देशों में या तो सिंगापुर हमारे पड़ोसी देश है वहां पर या तो जापान में थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी भारत में ये मान्यता बाजार का चल रहा है। लेकिन WTO करार पर हस्ताक्षर होने के बाद हमारे देश की सरकार ने इस फायदा बाजार को भारत में शुरू कर दिया। दूसरी शर्त उसमें यह है कि वायदा बाजार जो आपने शुरू किया उसमें किस किस वस्तुओं के व्यापार में ये हो सकता है, तो सोने चांदी हीरे जवाहरात गेहूं चावल चना दाल मटर आपके भारत में उत्पन्न होने वाली खेती की सभी वस्तुओं में और भारत के कारखाने में बनने वाली ज्यादातर वस्तुओं में इन सभी में फायदा होता है। और जो उसको अमेरिका में करते हैं यूरोप में करते हैं वही उन्होंने भारत में आगे कर रहे हैं। अब इससे दुष्परिणाम भी शुरू हुआ है कि जब से सोने चांदी के महत्वपूर्ण वस्तुओं को फायदा बाजार में शामिल किया तभी से मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में उछाल गिरावट उछाल गिरावट उछाल गिरावट आना शुरू है। वायदा बाजार जो है ना वो सबसे ज्यादा चीप बिजनेस है, धोखाधड़ी का धंधा, दूसरों को मूर्ख बना के लूट लेने का धंधा, दूसरों को उल्लू बना के लूट लेने का धंधा, ये किस तरह का धंधा है। इसमें वास्तव में ना कुछ बेचा जाता है ना कुछ खरीदा जाता है, ना आपके हाथ में कुछ खरीदा हुआ आएगा ना किसी के हाथ से बेचा हुआ जाएगा, वास्तव में कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कल्पना में चलता है। और ये धंधा कैसे चलता है मैं इसे उदाहरण से समझा। वायदा में जो एजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के वो काम कैसे करते हैं ये उदाहरण से समझा। सवेरे सवेरे आती है 10-11 बजे मुंबई, मुंबई इसका आश्रम केंद्र है, दिल्ली भी इसका केंद्र है, जयपुर में भी शुरू हुआ है, अहमदाबाद वडोदरा जैसे बड़े बड़े शहरों में इनके ब्रांचेस है। कैसे ये होता है ये उदाहरण से समझा। सवेरे सवेरे बाजार खुला, एजेंट में आए और एक सूचना दे दिया कि दुबई से या संयुक्त अरब अमीरात से सोना भरा हुआ एक जहाज भारत के लिए चल पड़ा, एक खबर दे दिया। दुबई से आप जानते हैं मुंबई में सोने का बड़ा खरीद मिलता है, गोल्ड सूप बना हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर व्यापार करती है, तो किसी कंपनी ने एजेंट ने एक खबर दिया कि दुबई से सोना भरा हुआ एक जहाज जिसमें कल्पना करो 10 टन 20 टन 50 टन कुछ भी उसने बता दिया कि और सबसे पहला खेल शुरू हुआ कि आप बाजार में सोना आ रहा है दुबई से तो जरूरत से ज्यादा मेरा कहते हैं
सदैव के बाहर कल्पना करो सुना 8,000 रुपए खबर आई तो तुरंत उसका 7,000 रुपए या 6,500 रुपए जो भी कर सकता है दोपहर को खबर आई कि वो सोने का एकदम दोपहर को खबर आई कि वो चलाकू फल हो रही थे रास्ते में डूब रहे हैं फिर क्या हुआ फिर ये एजेंट सक्रिय हुए और 8,000 रुपए 10,000 का जो सोना था वो दोपहर तक आते आते 6,500-7,000 रुपए में किया फिर वापस 8,500-8,000 रुपए जल चला फिर शाम को खबर आई कि जहाज का कैप्टन बच गया और उसको संभावना है कि रिकवरी हो जाएगी फिर शाम को भाव अभी दूसरे दिन क्या हुआ ना तो जहाज चला ना उसमें सोना ना कुछ हुआ लेकिन दिन भर में 8,000 रुपए से 6,500 या 6,500 से वापस 8,000 का ये भाव में जो अंतर आया कितने में वायदा बाजार के खिलाड़ियों ने सैकड़ों कोटी रुपए कमाए एक झूठी खबर सैकड़ों कोटी रुपए पिछले साल मैंने आंकड़े निकाले कि मुंबई के वायदा बाजार में और भारत के जो उनके दूसरे नेटवर्क में सिर्फ सोने और चांदी के वायदा बाजार में पिछले साल 4,880 कोटी रुपए मिले पिछले साल का मान है 2005 तो 2004-2005 के वर्ष में सोने चांदी के धंधे में बाजार के भाव को ऊपर नीचे करके 4,880 कोटी रुपए लूट लिया और ये पूरा पैसा भारत से बाहर चला हमारे हिंदुस्तान के वायदा बाजार में इस समय 150 से ज्यादा परदेशी विदेशी कंपनियां हैं जो खेल के लिए और वो धंधा भी तो आसान नहीं होता जमीन पर कुछ नहीं कार्यों में बिक्री निश्चित दर से उतर जाती है इसमें अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि जो धंधे में उतरने वाले लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के कई व्यापारियों के वायदा बाजार के धंधे में उतरे हुए हैं उनमें से एक मेरे परिचित थे पुणे में रहते हैं तो मैंने उनसे पूछा उन्होंने सोने चांदी के वायदा बाजार में पैसा लगाना शुरू किया तो पिछले साल से उन्होंने धंधा शुरू किया मैंने उनको पूछा कि क्या कमाया तो कहते राजस्थानी दुबाया उसने कमाया मैंने पूछा कि आप तो बहुत होशियार आदमी है आप तो बहुत चतुर है इंटेलिजेंट है कैसे बोला आप तो उन्होंने कहा कि इस वायदा बाजार में कमाती तो कंपनियां और डूबता हम लोग मैंने जो साधारण व्यापारी जाते हैं 10-30-50 लाख 1-2-5 करोड़ रुपए का धंधा लेके इनका डूबता और ये जो ऊपर बैठी हुई कंपनियां हैं टॉप पर वो वहां से तो मुझे बहुत दुख की बात है कि व्यक्ति 4,880 कोटी रुपए एक वर्ष में ही लूट ले गए ना उन्होंने कुछ बेचा ना हमने कुछ खरीदा अगर 4,880 कोटी रुपए का हमने कुछ माल ही खरीदा होगा तो भी संतोष होगा कि चलो पैसा लेना तो वस्तु तो है या मैंने एक बार हमारे देश के एक मंत्री को ये बात कही उनका नाम का शरद यादव अभी वो कुंभपुर मंत्री हो पहले वो एनडीए की सरकार में जो बैठे थे मंत्री थे सभी को मंत्री और उनका मेरा सारा परिचय तो मैं एक बार उनसे हॉलमार्क के विषय में बात कर रहे हैं तभी मैंने वायदा बाजार की बात की मैंने कहा आपने ये जो सुधार शुरू कर दिया हिंदुस्तान में आपको मालूम है इसका नुकसान कितना है कहने लगे था मैंने कहा अकेले मुंबई जैसे बाजार से 4,880 कोटी रुपए लूट लिया और भारत में ऐसे 8-10 केंद्र चलते हैं तो कितने हजार कोटी रुपए की होने के कुछ कल्पना है और ये 4,880 कोटी रुपए कितनी बड़ी रकम होती है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इतनी रकम अगर क्षेत्रीय समाज को दे दी जाए क्षेत्रीय वर्ग के नागरिकों को दे दी जाए तो पूरे वर्ग के क्षेत्रीय खर्च मुक्त हो सकते हैं और आत्महत्या करना पड़ सकते हैं वायदा बाजार में अपने जीवन से मुक्त हो गए
तो शरद यादव ने मुझे कहा कि आपकी बात तो सही है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने उनको पूछा क्यों नहीं कर सकते, आप तो मंत्री है। तो कहते मंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री है, उनसे बात प्रधानमंत्री के पीएमओ में हम लोग गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा हो गई प्रधान जी है, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हमने लघुपी और नाम का सही किया है, तो मैं कह रहा हूं आप इतना तो करो कि हिंदुस्तानियों को टीवी पे जाहिरात देकर लोगों की फायदा बाजार में ना कर सकते। आपकी एक लघुपी है कि आपके लघुपियों का करार सही किया है, अंतर्राष्ट्रीय करार है, इसकी शर्त मानना आपकी मजबूरी है, वायदा बाजार खोलना आपकी मजबूरी है, ये समस्या है। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना कर सकते हो कि रोज टीवी पर एक जाहिरात दे दो या आधा घंटे का एक घंटे का कार्यक्रम दे दो और लोगों को बताओ तो सही थी कि वायदा बाजार होना क्या। अब ये सब खुद लोग पूछा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें फंसे ही नहीं फंसे ही थोड़े दिन में जैसा अपने आप पैदा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये बात नहीं है। तो आपकी कार की शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम लोग फिर से नहीं बच जाएंगे। तो उन लोगों को समझ नहीं है, भारत के लोगों को सही माहिती देना ये सरकार को समझ में नहीं आता। मोटी माहिती देना रोज टीवी पे घंटों घंटों समय खराब करते हैं, वो कर सकते पैसी की लोगों का नंबर दियो कौन के डॉक्टर ये कर लो, वो कर की माहिती जो किसी काम के लिए वो हो जाती है। और ये जो माहिती जिसकी आवश्यकता है लोगों को वो कर देते हैं। फिर जाकर प्रधानमंत्री ने मुझे ये कहा अच्छा हमको ये नहीं कर सकते, मैंने पूछा क्या परेशानी क्या है, तो कहते हैं कि जो परदेशी कंपनियां आई है ये हमको चिंता नहीं रही है, अगर हमने ये माहिती देना शुरू किया लोगों में जागरूकता आ गई, लोग फायदा लोगों में धंधा करने चला तो वो हमको नहीं रह गए, सरकार नहीं चल रही है। ये जो खाता है वो सही गई है, हम तो सबको विड्रॉ हो जाएगा, हमें सब कर नहीं पा जाएगी। हम तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि एक ही एक शहर आप चालू करो उसमें भी माहिती हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे यही करने का है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है, तो हम करेंगे। तो हमारी सरकार इतनी असहाय है, इतनी हेल्पलेस है इस पूरे सिस्टम में, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ नहीं कर सकते तो उसमें ये दुष्परिणाम होता है। अब इस दुष्परिणाम में भाग लोग खाता है, जो सोने चांदी का व्यापार करने वाला बड़ा व्यापारी जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो साधारण सा व्यापारी है, छोटे छोटे बिजनेस करने वाला है, दिन का मान को लाख डेढ़ लाख पांच लाख दस लाख बीस लाख का सेल करने वाला बिक्री करने वाला और ये शहर पर छोड़ दूर गांवों में चार बैठा हुआ तो ये आदमी सोने चांदी की दुकान लेके सैकड़ों सालों से काम करता है, दिन का मुश्किल से पांच सात दस हजार रुपए का कुछ बेचता है, उसको सबसे ज्यादा दुष्परिणाम इसका होता है। मेरा इस गांव में जन्म हुआ तो उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले में मेरे गांव में आज स्थिति यह है, दस व्यापारी के सोने चांदी का व्यापार करने वाले मैंने बचपन से उनको देखा है, लेकिन इस फायदा बाजार में दसों में अपनी दुकानें बन गई। वो पहले सोने चांदी के दाने बनाकर मेरे गांव के लोगों की जरूरत पूरी करते थे और आसपास के गांवों की जरूरत पूरी करते थे। अभी तो सोने का भाव एकदम से 8,000 रुपए तक गया है, उसी में उनका फायदा। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे सब दुकानें बंद करके शेष मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं। मेरे लिए जो जाते हैं कि सवेरे भाव कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और जो रियल ट्रेजर है, जो वास्तविक व्यापारी है, जो सच में सोने चांदी का कुछ ना कुछ बनाकर बिक्री करते हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा हार खाते हैं। जिनको सिर्फ चीटिंग करनी है, धोखाधड़ी करनी है, लूट मार करनी है, उनको इसमें फायदा होता है। तो हमारी सरकार ने ये खतरनाक खेल शुरू कर दिया और ये खतरनाक खेल जैसे सोने चांदी के लिए सूचना हो रहा है। अभी सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ उत्तर दे दिया है और मैं आज न्यूनतम पर कहने आया हूं कि सरकार अपने गलत काम को सही साबित करने के लिए जो न कोई उत्तर ढूंढती है, तो इसके लिए उन्होंने उत्तर ढूंढा है। वो क्या है, वो कहते हैं कि गुरुओं में और एक काम को 150-200 टन का धंधा है, सोने चांदी का सोने का से कम 40 रुपए छोड़ो वहां पर
नगर चौहान का इतिहास नहीं होगा, नगर तलाब का इतिहास नहीं होगा। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में है जो कहते गलत का विरोधन करो, किसी तरह इसमें एडजस्ट कर लो, और वो एडजस्टमेंट क्या, कोई यूं कहा है सौ रुपया तो उसमें से अपने को भी 10-20-50 मिल जाएंगे, उनका हिस्सा उससे इतना ही है, इससे ज्यादा। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि फायदा बाजार से आप सोने चांदी को लेकर पाइए, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अभी तो क्या है, मार्केट थोड़ा खुला है, व्यवसायी कंपनियां आई हैं, अप्रैल 2006 के बाद ये मार्केट पूरा खुलने वाला है, और अगले एक साल में इस वायदा बाजार में 1.5 लाख से ज्यादा परदेशी कंपनियां तैयार हो रही हैं आने के, और उस समय जो सर्कुलेशन होगा तो आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, और उसमें होगा यह कि बड़े बड़े खिलाड़ी तो रह गए जो बाजार में, छोटे व्यापारी सब खुला। मेरी चिंता यह है कि भारत में 107 कोटि की लोकसंख्या में लगभग 1 कोटि सराफा व्यापारी है संपूर्ण भारत, उत्तर से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम, और लगभग 1.5 कोटि आई है जो राज्य में, लगभग 1 कोटि व्यापारी है, 1.5 कोटि आई कर रहे हैं, इसका माने 2.5 कोटि लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर भाई लोग तो इससे सीधे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम भारत में 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चल रही है। अगर हम सरकार के आंकड़े को भी मान लें कि एक परिवार में 5 नागरिक होते हैं तो लगभग 50 लाख परिवारों की जिंदगी इसमें चलती है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से, या तो उसकी कारीगरी से। तो ये 2.5 करोड़ लोग, इनमें से जो बड़े लोग हैं वो 1% भी नहीं है, बड़े लोग से मतलब जिनका बिजनेस 10-20-50 करोड़ रुपए से लेकर 1000-2000 करोड़ का है, वो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। और इसमें 70-75% जो व्यापारी हैं और कारीगर हैं वो बहुत गरीबी के स्तर पर काम करने वाले कारीगर व्यापारी हैं जो दिन में मुश्किल से 300-400 रुपए कमाते हैं, ये धंधे तो नहीं। बाकी लगभग 20% ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी हैसियत से है, जो यहां बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और किराए पर ले सकते हैं, माइक लगवा सकते हैं और मेरा व्याख्यान सुन सकते हैं, लेकिन उन 75% का क्या कर वो मेरा व्याख्यान भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इकट्ठा होने के लिए कोई हॉल चाहिए तो किराया देने का पड़ता है उसके पास। आप उसकी कैसे भेज दो, हम आपकी कैसे प्लेट पर लगा के सुन लेंगे या उसकी कॉपी करके दूसरों को, तो मैंने 350 लिखने वाले लोगों को रोज कैसे बना के भेजे स्पेशल बुक से, और मैंने कहा कि आप सुनो और इसको ज्यादा से ज्यादा को सुनाओ ताकि लोगों में जागरूकता आए कि हो गया। मेरे मुझे बहुत खुश होता है जब मुझे घर में मीटिंग जारी है, आपकी मीटिंग करने के लिए खर्चा तो कुछ लगता है, अगर कुर्सियां बिठानी है, दरी भी बिठानी है, माइक भी लगाना है, बहुत भी लेना है, इतना भी नहीं है हमारे पास, इसलिए कह सकते। तो मुझे चिंता उनकी होती है जो ऐसे हैं और 75% है, जो उनकी 50 लाख लोगों में 75% इस गरीबी की हैसियत में है कि मुश्किल से उनको 2 समय की रोटी चल पाती, क्योंकि कारीगर में बहुत पैसा नहीं है, जितनी मेहनत का काम है लेकिन पैसा उसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आप देखते घंटों घंटों करते हैं, सब एक छोटा सा दागिना तैयार होता है, आंखें उसी बेचारे की कैसे तकलीफ में आती है, सब जाकर एक छोटा दागिना तैयार होता है, लेकिन कारीगरी ज्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि इंटरनल कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त है इस देश में, एक दूसरे के आपस के कॉम्पिटिशन से वो ज्यादा नहीं मिल सकता है, और ग्राहक भी इस देश का ऐसा ही है जो ज्यादा कारीगर को देना पसंद नहीं करता। इस देश का ग्राहक ऐसा मूर्खाई में फंसा हुआ है, वो पेप्सी कोला कोका कोला पी के पैसा बर्बाद कर सकता है, लेकिन आगे बोलते तो कारीगर काम करना उसको 10 रुपए ज्यादा देने की उसकी बोलने लगवा सकता है। रिक्शा वाले के साथ चिक चिक करेगा, 50 रुपए लगा लिया, 2 रुपए लगा लिया वापस दो, और 5 स्टार होटल में जाके 20 रुपए की चाय पिएगा, 50 रुपए की कॉफी पिएगा, 5 रुपए खाके दूध देगा, लेकिन वो गरीब आदमी को लोगों को तैयार नहीं। यही कहा सोनी चांदी के दागिने के काम में लगे हुए करोड़ों करोड़ों का
मुझ पर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है इस फायदा बताने का। मैंने आपसे कहा सदैव आपको सुनेगा, शाम को दुश्मन होगा, अगले दिन सुनेगा, फिर शाम को बंद होगा। ये हमारे सरकार ने एकदम मूर्खाई का काम फायदा बता जिससे भी ज्यादा डबल मूर्खाई का काम सरकार कर रही है। सरकार कहती है कि हॉलमार्क ले लो। ये हॉलमार्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप देखते हैं कभी कभी सड़क पे जाते हुए किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड पे लिखा है ना आईएसओ 9000 या आईएसओ 9002 या आईएसओ 9003 प्रमाणित कंपनी। ये आईएसओ 9000 क्या होता है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके संस्था है, वो अमरीकियों ने बनाई हुई है, यूरोपीय नागरिक और अमरीकियों ने बनाई हुई संस्था है। ये संस्था एक प्रमाण पत्र देती है, उसका पैसा लेती है और पैसा जितना लेती है प्रमाण पत्र की कीमत उससे बहुत ही कम होती है। पैसा वसूल लेते हैं। क्या प्रमाण पत्र देते हैं? प्रमाण पत्र ये देता है कि ये कंपनी अगर आईएसओ 9000 है तो हमने इसको प्रमाण पत्र दे दिया। मतलब क्या है कि इनका जो लेखा जोखा है, कंपनी का जो लेखा जोखा है वो थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन दूसरा काम क्या है? लेजर वर्क जिसको है, लेजर वर्क माने फाइलें बनाने की, उस पर खाता लिखने का, आज इतना माल बेचा कर इतना बेचा कर लाया वो लाया। तो जो फाइलिंग वर्क है जिसपे कागज पर कुछ लिख के रखना होगा उसके लिए आईएसओ 9000 मिलता है। बात फाइलिंग वर्क के लिए मिलता उस कंपनी की बनाई हुई वस्तु की क्वालिटी उससे बहुत अच्छी हो गई है इसकी कोई गारंटी नहीं होगी आईएसओ 9000। आपको एक बार समझ में आ गया। मैं कोई बात कराता हूं उसमें खूब घोटाला करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी को मैं साबुन बनाता हूं, मैं आपको नाम दे देता हूं। एक कंपनी है हिंदुस्तान में जिसके पास आईएसओ 9000 है, साबुन बनाने वाली कंपनी, वो साबुन में रेत मिला है, रेत की समझता मिट्टी, मिट्टी मिला और मिट्टी को साबुन के भाव दे उनके साबुन को मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो 70% मिट्टी है, 30% ही साबुन। मैंने कहा भले आदमी आपके पास आईएसओ 9000 है और 70% मिट्टी आप बेच रहे हो, मिट्टी आती है 1-2 रुपए किलो की और बेच रहे हो 150 रुपए किलो, क्योंकि उनका साबुन मिलता है 70% का 100 रुपए किलो हुआ, मिट्टी खरीदा 1 रुपए किलो में बेच रहे हो 150 रुपए किलो, मिट्टी खूब मचा रखी है और क्वालिटी भी नहीं आ रही है। तो उसने कहा कि राजीव भाई ये सब धंधा हमारा इसलिए अच्छा चलता है कि हमारा आईएसओ 9000 चल रही है। तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि आईएसओ 9000 कंपनी है इसलिए माल की क्वालिटी जबरदस्त होगी, लेकिन क्वालिटी का आईएसओ 9000 से कुछ लेना देना नहीं होता। और इसमें खेल खेला जाता है, खेल ये है कि आईएसओ 9000 देने वाली जो संस्था मैंने बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके एजेंट आते हैं, जिस कंपनी को मार्क देते हैं वहां आते हैं, उनके गेस्ट हाउस में रहते हैं, खाना खाते हैं, होटल में मजा करते हैं, दारू पीते हैं और रक्षा प्रति सब करते हैं, कंपनी के खर्चे पर करते हैं, हर कौन प्रेस सर्टिफिकेट देकर चले जाते हैं कि हमने आप लोगों को प्रमाणित किया आईएसओ 9000। अब इसमें होता क्या कि कंपनी को सब कुछ अपने से करना पड़ता है, आपकी फाइल मेंटेन करिए, लेजर मेंटेन करिए, फोटो मेंटेन, सब कुछ आप मेंटेन करिए, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट करिए, मैनेजर करिए, उसको पगार देंगे, खर्चा करिए, कंपनी को एक सही करके सर्टिफिकेट देगी जिसको पद लगा के चार्टर ऑफ रिटेंडेंसी भी नहीं मिलता, वो एक सर्टिफिकेट है। सब कुछ करना आपको है, खर्चे सारे आपके होंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो ये आईएसओ 9000 जो लेने वाले हैं उनको मैं कहता हूं थोड़ी बुद्धि खराब हुई है, इतने मूर्ख हो गए हो, सब कुछ तुम कर रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट उस कंपनी को क्यों दे रहे हो? तो तुम्हारा दावा करो ना कि हमारा सब लेजर अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, मार्जिन भी क्वालिटी अच्छी है और अकाउंटिंग भी हमारा परफेक्ट है, कोई भी आकर दे। तो ग्राहक को तुमने सर्टिफिकेट देगा वो कंपनी का नाम होने जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं कि आप आईएसओ 9000 लेके आपका जो मेडिकल वर्क है उसको फिट करके रखो और वहीं से चीटिंग करना शुरू कर दो, क्वालिटी गिराते जाओ, आईएसओ 9000 वर्क का मेडिकल वर्क शुरू कर दो, ठीक कर दो, गुड कर दो, इधर क्वालिटी गिरती जाए। ठीक यही धंधा अब सोने चांदी के उसमें आ रहा है और मार्ग के नाम से। ये उदाहरण मैंने आपको उसकी समझ में आता है।
40 से 9000 है, तो इंटरनेशनल इंस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का एक हिस्सा है। और ये यूरोप से शुरू हुआ, अमेरिका में पहला और बाहर से यहाँ था। अच्छा, इस हॉलमार्क के धंधे में भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दे, उस रजिस्ट्रेशन की फीस 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये भर दो आपको हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन, मान एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें किसी का सही होगा, बस आप लगाएगा। अब दागिने पर अलग से हॉलमार्क दे, हमें रजिस्ट्रेशन अलग करा, आपकी दुकान का, आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का, उसमें 20,000 भरो और फिर एक एक दागिने पर अलग से हॉलमार्क दो। ये हॉलमार्क देने वाले जो लोग हैं उनको मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि इसकी गारंटी आप देते हो कि जिस दागिने पर हॉलमार्क है वो एकदम खराब होगा? तो उसने कहा इसके लिए थोड़ी है, 100% खराब सोने का दागिना है, 100% खराब चांदी का दागिना है, या 100% खराब हीरा है, इसकी गारंटी हॉलमार्क नहीं देता। और के लिए गारंटी देता है 9,000, 9,001, 9,003, वैसी ही एक छोटी सी परसेंटेज। और इसमें बेईमानी का धंधा लगा हो, मैंने आपसे कहा 9,001 लेने के बाद 70% व्यक्ति मिला के सामान बना के बेचो तो ग्राहक को क्या रखा है 9,001, उसको माइक्रोवेव के अंदर क्या कहती है 9,001। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि हॉलमार्क जिस दुकान को मिला है फिर झावर मिलावट पर हो और आप कहो कि ये 80% है और उसको 100% कहके बेचो, 60% है उसको 80% कहके बेचो, रूप लो अल्टीमेटली रूप उसमें क्या रखे हो। यूरोप और अमेरिका में जो हॉलमार्क सिस्टम आया था उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैंने समझने की कोशिश की। वहां कहानी ये है कि 2,000 करने वाले लोग हैं, ये आप बहुत अपनी बात से समझ रहा मुझे ये समझ में 3 साल क्यों आया जरूरत क्या थी। यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है दोनों के बीच में कोई विश्वास का संबंध नहीं। खरीदने वाले का बेचने वाले पर कोई विश्वास नहीं है और बेचने वाले का खरीदने वाले से कोई सिंपैथी नहीं है, सद्भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वहां का जो समाज है यूरोप और अमेरिका का, वो समाज है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत आधारित पूरा समाज है, व्यक्ति आधारित। वहां किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, शादी भी होती है ना पति पत्नी की तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जैसे सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वैसे पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 2 साल साथ में रहेंगे, उसके बाद खड़ा डाइवोर्स हो जाएगा, 1 साल साथ में रहेंगे या 6 महीने साथ में रहेंगे या 2 महीने साथ में रहेंगे या 1 रात साथ में रहेंगे, उसका भी पता है। उसके बाद तो तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो यूरोप और अमेरिका में जो कुछ भी चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, विश्वास वहां नहीं है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता। और समाज वहां का ऐसा है कि बहुत ही लगभग किस्म का समाज है, किसी की पत्नी अपने पति के सामने किसी दूसरे के साथ चली जाएगी बैठक में तो कोई रोकने वाला नहीं है, और रोकने की कोशिश की तो तरह से कहकर चला देते क्या तुम्हारे घर में शून्य है। तो यह हॉलमार्क नाम का एक क्षेत्र नहीं है, इससे थोड़ा विश्वास हो जाए खरीदने वाले को और थोड़ा सद्भावना बने देश को। तो यूरोप और अमेरिका के समाज की संरचना ऐसी है जहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सरकार बीच में आकर के हॉलमार्क का सिस्टम लाई हुआ। भारत में बिल्कुल उल्टा, भारत में यह इतना उल्टा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मेरी कहानी बताता हूं, दूसरे देश को नहीं बताता। मेरे घर में जब से मुझे याद है बचपन से तब से हमारा सोने चांदी का दागिना खरीदने का दुकान फिक्स है, वो बदलती नहीं है। मैंने एक बार मेरी आई को पूछा ये दुकान में से कब से लाते हैं, तो वो आई कहती है उसकी आई के समझ, उसकी आई को पूछा तो वो उसकी आई। माने मेरे घर में सोने चांदी का दागिना जिस दुकान से आता है वो दुकान का हमारा संबंध 10 पीढ़ी पुराना है। उनकी 10 पीढ़ियां गुजर गई, हमारी 10 पीढ़ियां गुजर गई। और मेरी आई को मैं पूछता हूं ये दुकान में क्यों जाती है, इसकी दुकान है गांव में,
वो कहती है भरोसा, विश्वास। जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, दागिने का नहीं। दागिना तो मुश्किल से हमारे घर में साल में 2-4 हजार रुपए का आता है, कभी कभी 2 साल में आता है। तो 2-4 हजार रुपए साल का बिजनेस, और उसमें भी बेचारे दुकान वाले को क्या मिलता होगा जब 4 हजार रुपए का, हमारे 3 साल के बाद घर में एक छोटी अंगूठी आई है 4 हजार रुपए की, मैंने उसको पूछा मुश्किल से 400 रुपए में मिला होगा, तो वो दुकान वाला भी कहेगा राजीव भाई हमारा आपका विश्वास था। मुझे याद है कि मेरे घर में कोई आयोजन हुआ हो और जो दुकान में आप सोने चाहती है राजीव जैसे तो हमारे घर में था। मेरे भाई जी ने भी थोड़ी देर पहले शादी की, तो हमारे घर में कोई काम करता होगा या बात का जो भी वो बराबर हाजिर है, जैसे हमारे परिवार का घर में कोई सुख की स्थिति है, खुशी की स्थिति है तो वो हमारे साथ है, या दुख की स्थिति है तो हमारे साथ है, और हमारा भी उनके घर में वैसे ही है, उनके घर में कोई प्रश्न है तो हम और हमारे पिताजी उनके साथ है। माने हमारा जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, जो पारिवारिक संबंध में बदल गया है। आप बताओ ज्यादा धंधा ऐसा होता है? मैं देखता हूं मेरे घर में ऐसा है, सभी के घर में। माने आप जो व्यापार करते हैं आपके ग्राहक कृष्ण है, पीढ़ी दर पीढ़ी कृष्ण रहते हैं, वो आपको बदलते नहीं, आपको छोड़ते नहीं। कारण क्या है कि वो सोने चांदी का व्यापार नहीं है, वो विश्वास की परंपरा है, भरोसा। तो हमारे यहां भी पूरा का पूरा बिजनेस विश्वास पर आधारित है, भरोसे पर आधारित है। इसलिए हम अपने घर के सदस्यों जैसा व्यवहार उनके साथ करते हैं और वो भी हमारे साथ अपने सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं। मैंने हिंदुस्तान में सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान को छोड़कर ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां ग्राहक आकर ऐसे बैठता हो जैसे घर में बैठता। इतना आसानी के साथ वो आपके साथ आकर बैठता है, बात करता है, शायद खरीदी तो 2-4 मिनट में हो जाती होगी, लेकिन जो बातें होती है सुख दुख की, परिवार की, एक दूसरे को समझने की, वो तो होती है। तो भारत में सोने चांदी के दागिने में भी है परंपरा और विश्वास चला रहा है। अब इस परंपरा और विश्वास के साथ चलने वाले रिश्ते में हॉलमार्क घोषे का प्रस्ताव कर रहे हैं, तो क्या होगा? अभी तक तो आप अपने विश्वास को उसको देते थे और वो आपके विश्वास से खरीदता, अब कोई भी आपकी दुकान में तो आएगा और आप कहोगे तो आपने जो हॉलमार्क का दागिना लेना शुरू किया है, तो हॉलमार्क का दागिना जैसे आप बोलते हो उसकी कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपने जो चीज भरी है 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन किया है और प्रति दागिने के अदस्य की बात पर दो से हॉलमार्क के लिए किसी को आपका सलाह उपयोग करेगा, आपको ग्राहक से जोड़ने वाले हो, तब उसके मन में शंका पैदा होगी। अब उस शंका का समाधान करने के लिए आप उसको समझाओगे, भाई पहले तो हम देते थे लेकिन हम जो हॉलमार्क लगा हुआ दे रहे हैं तो आपके मन में कल्पना क्या रहेगी कि ये ज्यादा बिके तो आप कहोगे ये ज्यादा अच्छा है, तो वो सोचेगा तो साफ रहे इतना ज्यादा वो सब खराब था। बस वहीं से चिल्ला दूंगी तो वो आपको ज्यादा अच्छे नहीं करेगा, 2-4 महीने इंक्वायरी करेगा, उस इंक्वायरी में उसका विश्वास आपसे और जब विश्वास उठेगा तो ग्राहक होंगे और ग्राहक उठेगा तो धंधा आपको। जैसे ही आपने शुरू किया तो आपके सारे पुराने ग्राहक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनके मन में एक वायरस घुसेगा और वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि पहले इतने दागिने हमने खरीदे वो सब खड़े नहीं थे क्या, अभी ये जो हॉलमार्क वाला दे रहे हैं अगर नहीं कर रहा है तो पहले वाला खड़ा नहीं था क्या? और आप जानते हैं शंका का समाधान दुनिया में किसी भी चिकित्सक और डॉक्टर के पास नहीं है। एक बार शंका घुस गई तो किसी दवा से नहीं निकलती, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। भारत के बड़े बड़े वैद्य कहते हैं कि शंका का समाधान तो चरक ऋषि के पास ही नहीं, हर बीमारी का समाधान था लेकिन शंका एक ऐसी बीमारी होती है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाता और अंत में जा टूटता है विश्वास, फिर टूटता है धंधा, फिर टूटती है दुकान, फिर टूटता है वो परिवार। जब आपने उसको एक बार फिर दे दिया ना कि ये हॉलमार्क लगा हुआ दागिना है, ये ज्यादा खड़ा है, तो वो देखेगा कि आपसे बड़ी इंसान
क्योंकि उसका उस कारण से कोई कम ना परिवार का समझा और आप लगने सोने जाने के बदले में चीजें कितनी आसान है। मैं तो इससे ज्यादा नहीं समझता हूँ इसका एक ऐसा खड़े सोने का और बाकी कंट्री होता हो तो मेरे पास कोई पहचान नहीं इतना और अगर मैं इसको कहे तो मीटर से भी पहचानने की कोशिश करो तो मुझे नहीं पहचान पाया क्योंकि कह रहे मीटर छोटे से एक घंटे में ही काम कर पाता है पूरे राज्य में कम नहीं कर सकता तो उतना छोटा सा हिस्सा खड़ा है और बाकी छोटा है तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और ये चीज भी बड़ी समस्या करेगी क्योंकि उनको धंधा की सरकार तो सीधी नहीं करनी धंधा करने में और सीधी करने में अंतर है। धंधा करने में क्या होता है हम आनंद नहीं करते हम संतोष के साथ जिंदा रहते हैं क्योंकि हमें धंधा दो टका आमदनी है 3 टका 5 टका 10 टका तो भी हम उसमें संतोष करके चलाते हैं लेकिन जब हमारे दिमाग में भी है कि 1000 टका आमदनी हो 1500 टका हो 2000 टका हो बिना कितना वाला हो तो ये सिर्फ चीनी से ही हो सकता है। धंधे से कभी आमदनी कभी किसी में नहीं होती। आगे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है ई कॉमर्स आ गए और उसके साथ और व्यवसाय कंपनियां इस साल आने जा रही है सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया अब वो ये रिटेल बिजनेस में भी उतर रहे हैं और रिटेल बिजनेस में उतर के वो क्या करने वाले हैं उनके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो पहले उनको ऑफर करेंगे कि आप हमारे पास मिल जाओ नहीं तो हम आपको करा सकते। तो जो बड़ी फर्म है हिंदुस्तान में है जिनका नाम पिछले 10-12 साल में बना है या तो ये उनके परिचय ही बनेंगे उनके साथ कॉन्फिडेंट करने के लिए तो ये मार्केट से खड़ा होने वाले हैं इसलिए इन्होंने तो तय किया हुआ है कि ये किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने में तैयार है। फिर आपके सामने समस्या जिनका बिजनेस बड़ा है क्योंकि बड़ी कंपनी आपको अपने साथ जोड़ेगी और आपको चिंता नहीं रहने देगी मार्केट उसके कॉम्पिटिशन में आप उतर नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कितने नीचे जाएंगे आपको कुछ कल्पना नहीं है। मान लो कोई विदेशी कंपनी ने कोल्हापुर में आकर एक शोरूम खोला और उस शोरूम पर आधे कपड़े में पहले वस्त्र वाली लड़की बिठाना शुरू कर दी ऊपर से काली नीचे से काली और बैठी है एक लड़की मुस्कुरा के सबको हाय हेलो कर रही है तो बहुत सारे ग्राहक जो थोड़े से चरित्र में कमजोर है वो तो फिसल गए वो क्या कहेंगे यार खरीद नहीं चल रहा है चलो आप हमसे तो कुछ देखेंगे चलो लाइन लगा के खड़े हैं उनको ज्यादातर विदेशी कंपनियां यही करती हैं उनके जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उन्होंने में 8 विदेशी कंपनियों ने शॉपिंग मॉल की है पिछले साल में जब भी जाता हूँ यही प्रश्न होता है और कॉलेज के लड़के लड़के संख्या में वहीं घूमते रहते हैं क्लास में नहीं जाते क्योंकि वहां पर काउंटर से लड़की बैठी है उनको कपड़े पहनते हैं और उनका इंस्ट्रक्शन है कि शरीर दिखे ऐसे ही कपड़े पहने तो यहाँ वालों ने दुकान खोला और ऐसे कम कपड़े वाली लड़की का दिखाना शुरू किया और उन्होंने शहर में घूमना शुरू किया तो तमाशा हो गया तो उनके धंधे इसी तरह की चीजें पर आधारित होते हैं कोई खराब होने में इसलिए आएंगे जब दस्त वाले भी हमको लेके जाएंगे इसका कुछ नहीं वो तो इस तरह के धंधे कर रहे हैं और आप अपने साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको धंधा करते हैं आप और आपके परिवार की मदद से वो तो धंधा करते हैं बड़े आपके लिए ये धंधा आपकी जिंदगी का रास्ता है माने जिंदगी को चलाने का जरिया है उनके लिए धंधा उनके 50 वर्षों में से एक है जिससे एक्स्ट्रा मार्जिन कमाना उनके जीवन में धंधा नहीं है नजरिया नहीं है तो फिर आपको कॉम्पिटिशन में भी चाहिए और वो कॉम्पिटिशन में आप होते तो धीरे धीरे आउट हो जाए मुझे भी ये है कि 2500 करोड़ लोगों की जीविका चली गई है तो ये तो कौन सा दूसरा व्यापार हम दे सकते हैं या कहाँ हमको कमा सकते हैं जो बेरोजगार और ये हॉलमार्क में एक तो सबसे बड़ी तकनीकी आने वाली है कि आपका ग्राहक का विश्वास टूटेगा दूसरी तकनीकी आने वाली है 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगता है पहली बार जब आप जाओ एक कोटि 12 लाख का व्यापारी है सब अगर रजिस्ट्रेशन कराए तो 20,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने लूट लिया एक साथ आगे भी योजना क्या है अभी वो ये कह रहे हैं कि आप हॉलमार्क को आपका ऑप्शन है आपकी मर्जी है लोग नहीं हो लेकिन रोड पे यहां तक पहुंचने के लिए आपको एजेंट आएगा या समझाने
भाई के लिए लो, भाई के लो, भाई के लो, वैसे कहेंगे निपट जी तो बार बार को सरकार को देना होगा, लेकिन लोग नहीं देंगे क्यों खरीदारी करने के लिए आप वो करेंगे नहीं, आप तो बोलेंगे ये ऑप्शन है, लेकिन बार बार आपको दिमाग में बात नहीं करेंगे ले लो ले लो ले लो, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाएगा। अपने स्वास्थ्य में जा रहा है अमेरिका की हेलीकॉप्टर जो सोना पड़ा हुआ है उनको देश के कारण, लेकिन मैक्सिमम प्राइस पर बेच यूरोप की हेलीकॉप्टर जो सोना गिरती रखा पड़ा हुआ है उनको मार्केट में बेच दिया, तो भाव चढ़ाएंगे तो उसको वायदा बताया कि तुम भाव चढ़ाएंगे, उसका अमरीका इंजाम पर हमला करके जो बाजार चढ़ाएगा पेट्रोल का भी चढ़ाएगा सोने का भी चढ़ाएगा, जब मैक्सिमम स्थिति में होगा बाजार 12,000 रुपये जो था तब ग्राहक से वो सोना बेचेंगे और देश से उतारा पकड़ेंगे और मार्केट को दिया जाएगा। ये अमेरिका हर 3 साल में करता है, मैं अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास इकट्ठा किया, हर 3 साल में अमेरिका ये चेंज करेगा। 1970 में ट्रेन मिला करते थे आप याद, पेट्रोल के भाव अपने नीचे से चढ़ाए थे, दुनिया सारी काम कर रही और उसी तरह सोने के भाव चढ़ाकर ग्राहक से सोना बेचा और हजारों लाखों करोड़ों आपका बदल था। 1970 के पहले 1940 में अमेरिका के देश, 1910 में अमेरिका के देश, 1870 में अमेरिका के देश, 1840 में ये पिछले 200 साल में अमेरिका हर 3 साल में ये करता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 30 साल में नीचे आ जाए जिसको रिसेशन कहते हैं, रिसेशन जो है तो रिसेशन की इकॉनॉमी को ऊपर लाने के लिए अमेरिका अपने जिंदा रहने के लिए सारे कोशिश करेगा, अभी वही समय अमेरिका का रहा है तो ईरान पर हमला भी इसके हिसाब से किया था, ईरान पर भी तैयारी कर रही है, इसमें हमला की हालत खराब होगी, ये परेशानी के साथ है चिंता है। और हॉलमार्क अभी वो कैसे ऑप्शनल है, 2-3 साल के बाद तो हमको सही कर देंगे, अभी तो हमने क्यों कहना शुरू कर दिया है 2-3 साल के बाद सब कुछ नहीं कर देंगे, 1 साल पहले तक तो ये भी बोलते थे कंपल्सरी कर देंगे, मैं तभी भी बोल रहा था कि आप थोड़े दिन के बाद इसको कंपल्सरी करोगे तभी जिंदा रह पाओगे नहीं तो आप चले जाओगे, तो वो कंपल्सरी करेंगे तब आपके सामने परेशानी दूसरी आएगी, कंपल्सरी करके होगा और पार्ट में इसके लिए कानून बनेगा, कानून से आपको बाहर जाएगा और कंपल्सरी हॉलमार्क हो जाएगा, माने अगर कंपल्सरी हुआ हॉलमार्क तब पुलिस आएगी आपकी दुकान पर और छापा मारेगी कि आपके पास हॉलमार्क है या नहीं, दादी पर हॉलमार्क देंगे और अगर नहीं मिला तो कहेंगे चलो कानून भंग किया उल्लंघन किया जेल चलो, तो वो जेल से जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन लड़ाई क्या आपको देगी अंत में क्या होगा वो करेंगे आपसे सौदा और आपको है थोड़ा मन में डर जेल जाने से तो उसी में होगा सौदा और पुलिस वाला इंस्पेक्टर आके कहेगा लाओ 10,000 रुपये लाओ 3,000 रुपये लाओ 50,000 रुपये, तो एक नया धंधा शुरू हो जाएगा जैसे पुलिस लोग करते हैं वैसे पुलिस करते और ये पुलिस का इतना आगे बढ़ जाएगा कि पहले तो आएंगे आपके दुकान में फिर आएंगे भी नहीं फोन करेंगे, पुलिस स्टेशन में बैठने से इंस्पेक्टर फोन करेगा आपका हम क्या बातों के साथ आने की जरूरत नहीं हम भी पहुंचा देंगे आपको, तो 10,000 का पैकेट 30,000 का पैकेट हम पहुंचा देंगे तो हफ्ता वसूली शुरू और मानव के नाम पर होगी हफ्ता वसूली, क्योंकि मैंने हिसाब लगा दिया कि ये जिंदगी में अगर हम मारे तो संपर्क नहीं करते तो भी संपर्क नहीं दे पड़े, कारण इसका मैं बताता हॉलमार्क देने वाले जो ऑफिस में इनके पास तो अपनी गोली है और 1 करोड़ व्यापारी अगर लाइन लगा के खड़े हो जाए तो 2 ऑफिस कितने व्यापारियों को जुर्माने, मैंने कैलकुलेशन किया कि 1 ऑफिस समय से 9-10 बजे से और 5-5 बजे तक काम करे तो 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग 500 व्यापारियों को दे पाएगा, 2 ऑफिस है तो 1,000 व्यापारियों को दे पाएंगे, इधर से कानून लागू होगा तो पुलिस का जितना शुरू हो जाएगा हमारा सुरक्षा जो है अभी तो आप परेशान रहते हैं पुलिस वो ये होता है कि कोई कहीं से लोग नजर आ आपको तो मालूम नहीं उसके बारे में लिखा हुआ भी नहीं है कि ये चोर है, वो आपकी दुकान में लिस्ट पे जाता है और वो जाके पुलिस ऑफिसर को खबर कर देता है उन्होंने दुकान को वो आ जाते हैं आपको खबर नहीं देता और कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि चोर ने बिना आपको सोना बेचे ही कह दिया अगर पुलिस को कि मैंने इसको बेचा है तो आपके पास कोई सबूत नहीं है आप उसको निर्दोष साबित कर सकते,
की व्यवस्था इतनी खराब होने की है कि जो जिंदगी भर जो नहीं कर रहा है उसके बयान को सत्य मानती है और जो प्रतिष्ठित व्यापारी धंधा कर रहा है उसको हमेशा झूठ मानते हैं। और ये व्यवस्था कैसे है, हमारी पुलिस की व्यवस्था 1860 की बन चुकी है अंग्रेजों की तरह, उसमें एक रोगी ने कहा हुआ रेवर इसका मतलब क्या होगा मैं समझाता हूं। बड़ा उसका मतलब है कि जो आरोप लगाने वाला है उसको खुद सिद्ध नहीं करता, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है सब कुछ उसे सिद्ध करता है। तो चोर है, बेईमान है, लुच्चा है, लफंगा है, लफड़ है, चरित्र ही करके पुलिस वाले जाएंगे, लेकिन वो एक झूठा आरोप भी अगर आपको लगा दे तो आपकी तो सारी कमर उससे खत्म कर एक तो बेजती का भी वादा है और दूसरी आप जिंदगी भर के करते रहो करते रहो तुम्हारे इससे कोई सोना नहीं देता, मेरे पास कुछ नहीं है इसने कुछ नहीं देता, लेकिन उसने झूठ मूठ स्टेटमेंट कर दिया तो आपको पता है। और ये रोज रोज मैं भारत के जितने गांव में जाता हूं कभी भी कोई मेरे डॉक्टर नहीं इतने तरह का व्यापार लगाते हैं मेरे डाटे में हम तो जिससे इतने परेशान है पुलिस के लिए कानून से लेकर पुलिस एक्ट से या किसी की धाराओं से या किसी की धाराओं से कि हमको जिंदगी इसी में हमारी तरह कर जाए। आप कहते हैं धंधा करने के लिए कि पुलिस के लिए सब देने के लिए पास और सरकार को मैंने कई बार कहा है कि आप इस पुलिस एक्ट को बदल दो वरना आजादी का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे पुलिस एक्ट की सबसे बड़ी दुष्परिणाम की विशेषता है ये कि जो चोर है बेईमान है वो सच्चा है और जो ईमानदार है वो झूठा है। पुलिस आपको झूठा बनाती है और आपके खिलाफ केस बनाती है और वो जो झूठा बोलता है आपको नहीं बताते चला जाए तो अभी तो आप इससे परेशान हैं, फिर हॉलमार्क आएगा तो आप जरा परेशानी कितनी बड़ी पड़ती है। आपको इस समय एकजुट होने का है और ये आप जान लीजिए कि मेरा शराबा व्यापार से दूसरे उनका कोई संबंध नहीं, मेरी चिंता सिर्फ एक ही है कि 2.5 करोड़ लोग जो इस धंधे में है वो बेरोजगार हुए तो देश का क्या, मेरे घर में होने जाने का कोई धंधा नहीं है ना मैं सुना देता हूं ना मैं सुना खरीदता हूं ना इस धंधे से मुझे कुछ मिलने वाला है ना मैं आपको कुछ देने वाला हूं, लेकिन मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है 2.5 करोड़ लोगों की रोजगारी देने वाला जो व्यापार है अगर ये टूट गया तो 50 लाख परिवार टूटते हैं, करोड़ों लोग बेकार होते हैं, जिसके लिए हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही जितनी बेरोजगारी इस देश में है 20 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, अभी तो जो रहते हैं वो 100 करोड़ से देश का काम था। इसी चिंता में मैंने आपके बीच में और आपके व्यापारियों के बीच में जाना शुरू किया है कि आप उसको बचाने के लिए कुछ करो, अपना भी व्यापार बचाओ और अपने सहयोगियों को बचाओ। तो आप बोले कि हम करें क्या, आप 3 काम करो और मैं आपको वायदा करता हूं कि यह 3 काम अगर आपने पूरी ईमानदारी से किए तो यह समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ना हॉलमार्क देना पड़ेगा आपको और ना वायदा बाजार करना पड़ेगा। ये दोनों घटक होते और ये घटक कैसे हो जाएंगे, सरकार जरूर कहते हैं हमने WTO की शर्त है ना उसके आधार पर देखा, लेकिन WTO में ही लिखा हुआ है एनी मेंबर कंट्री कैन विथड्रॉ एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, माने कोई भी सरकार कभी भी WTO एग्रीमेंट से बाहर आ सकती है, कोई भी सरकार कभी भी इसको रद्द नहीं कर सकती। उसी में लिखा माने ये कोई ऐसा समझौता नहीं है जो परमानेंट चले, और मैं आपको नाम ले बताता हूं कि दुनिया में आज से 10 साल पहले 134 देशों में यह सही किया था, उनमें से आज 70 देश बाहर निकल गए, उनको समझ में आ गया 10 साल के लिए बहुत बड़ा और इससे उन देशों को उसका नाम है युवा, युवा बहुत छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल बाजू में है, नीचे है, अमेरिका में बहुत गलत किया है युवा को, तो इस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाओ, युवा का राष्ट्रपति बोलता है मेरे देश के लोग बोलते हैं कि इस एग्रीमेंट में नहीं जाने का नहीं रहेगा, तुम तुम्हारे देश का देखो मैं देखो तो अमेरिका ने कहा हम तुम्हारे हत्या करेंगे तो स्वीकार करके देख लो, फिर हम भी तुमको बता देंगे कि हम क्या छोटा सा देश है, मुश्किल से 1 कोटि की लोकसंख्या है, मुश्किल से 1 कोटि की लोकसंख्या है और किस दादा की अमेरिका को जवाब देना है।
और एक ही उसने सच में दिखा दिया कि अमेरिका कागज का शुरू है, क्यूबा ने अपनी आर्मी को अमेरिकन बॉर्डर में ट्रांसफर कर दिया, अमेरिका को ऐसा कर दिया, अमेरिका को लगा कि अगर ये क्यूबा खड़ा होगा तो उसके आदिवासी देश भी खड़े होंगे क्योंकि वो सब अमेरिका से कर सकते, और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, महाराष्ट्र राष्ट्रपति ना विदेश राष्ट्र, वो इतना लोकप्रिय है कि 28 साल से बराबर बन गया अकेला कोई दूसरे पक्ष में नहीं आता, 28 साल से बराबर बन कर आता है और अपने आपको सरेआम भक्ति देता है कि तुम्हारी यही मदद करते थे तो हम भक्ति को नहीं मानते, तुम्हारी तुम्हारे देश के लिए तो हम हमारे देश निकल गया और उनके सारे के सारे शर्त बॉल बना के वायदा बना के शेयर बना के सब बना करके बहुत अच्छा है, 10 साल में कर रहा है बहुत अच्छा है, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उस प्रयास क्या करना है, आप सबसे पहले एक फैसला करो कि कोल्हापुर सराफा एसोसिएशन का कोई भी कारीगर या व्यापारी हॉलमार्क नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, दुश्मन से लड़ना है तो उसका बहिष्कार सबसे पहले असहयोग सबसे पहले, दुश्मन को अपने घर में बुलाओगे कि आप उससे लड़ने जाओगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की कहानी ही ये दर्द है, हमारे राजाओं ने अगर अंग्रेजों को अतिथि बना के नहीं बुलाया होता तो ये 250 साल गुलाम नहीं होता, हमने ये गलती करनी है भूतकाल भविष्य में करने की जरूरत नहीं, हमारे हॉलमार्क नहीं देना ये एक संकट है, तो फिर क्या करना पड़ता है, जब आप हॉलमार्क नहीं होते हैं जो देने के लिए घूम रहे हैं इनके हालत होती खराब, क्योंकि हमने सब कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा, ये जो है ना हमारे पास आते हैं ये सब सब कॉन्ट्रैक्टर है, असली कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे असली कॉन्ट्रैक्टर को यूरोप के कॉन्ट्रैक्टर में क्या होने में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, मुंबई में किया होगा, दिल्ली में किया होगा, तो ये लोग होते हैं, इन्होंने वहां भी जमा करा क्योंकि जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्री किया है वो ज्यादा हो गए, वो कहते हैं मेरे को पहले पैसा जमा कर दो, तुम बांट पा रहे हो और हमारा नहीं बांट पा रहे हो तो क्यों रखे हमको नहीं हो, तो इन्होंने वहां पैसा भर के सब कॉन्ट्रैक्ट किए, इनको वो पैसा निकाल देगा, इसलिए लोग चाहते हैं आपके दिमाग में से बारी सोसाइटी में ले लो बारी ले लो बारी ले लो बारी, और आपने अगर लेना बंद कर दिया तो दिल्ली सरकार के पास जाएंगे कहेंगे हम तो नहीं कर दो, तो सरकार कानून बनाएगी, कानून बनाएगी तब उसके बाद हम लोग भी इसमें आएंगे उतरे, क्योंकि कानून बनेगा संसद नहीं बनेगा, और संसद में हम ऐसा हल्ला कर रहे हैं ये कानून के विरोध है कि ये पास ही ना, फिर सरकार क्या करेगी, कानून पास नहीं हुआ अगर संसद में, क्योंकि मैंने अपनी से भारत के बहुत सारे खासदारों को इस बात से समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें कल्पना है कि 3 साल के बाद कानून लाना था, तो 250 से ज्यादा खासदारों को मैंने समझा दिया कि देखो इसका खतरा क्या है, और पूर्वी भारत के जो खासदार हैं बंगाल के आसाम के बिहार के उड़ीसा के उनको ये बात अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कारीगर उसी इलाके में है, दागे का काम करने वाले जो कारीगर है ना सबसे ज्यादा बंगाल में, दूसरा नंबर उनकी बिहार में, उनको समझा गया उनको समझ में आया, और उन्होंने कहा उसका मतलब अगर कानून बनेगा तो हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे, तो कानून वहां से नहीं बनेगा, बना तो राष्ट्रपति के स्तर पर होते हैं उनका सही समय देंगे और उनका सही होने के लिए पब्लिक इन्वेस्टिगेशन फाइल करने की जरूरत, उस समय आप सबकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वो पिटिशन मैं मेरे नाम से नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत में सवाल पूछेगी आपको क्या लेना देना नहीं करनी है, आपकी कोई दुकान है क्या, कोई घर है क्या, कोई कंपनी लेना कोई दुकान का कोई सवाल, तो मैं चाहता हूं उस समय आपका सराफा एसोसिएशन के नाम से नहीं दे सकता, पिटिशन हम बनाएंगे जहां की आप करेंगे नाम होता रहेगा, क्योंकि वो तकलीफ देता है वो की पता है आप दो किसी तरह के देश के लिए चले आते हर जब से इसे चढ़ने के इंस्टीट्यूट को सब जब चेहरे से पहचान में होंगे तो वो कहते हैं अभी विदेश में कुछ लेके आए अभी थोड़े दिन पहले हम बहुत क्या एक देश लेके गए 2008 हमने जीत लिया उसमें सभी बहुत सारे हुए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को हफ्ता पता रहता है सरकारियों की तरफ
एक भी कमजोर खतरनाक है। कितना भी आपको कोई आगे लालच दे, आप बोलोगे हम तो लेकर रहे हैं, तुम उस पर काम करो, जाओ ना तुम पर काम करो, 20,000 रुपये है नहीं यहाँ पर और हमारे पास इतनी मदद करने का टाइम नहीं कि ये चाची से तुम्हारे यहाँ जाकर बहुत बार हमारा धंधा तो हम विश्वास पर करते हैं, परंपरा से हमारा चला रहा है, ग्राहक पर हमें विश्वास है, ग्राहक को हम पर विश्वास है, आप इस पर क्यों दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो ये आप अपनी एकता कायम रखो, आपके बीच में से कोई भी ना जाए, हॉलमार्क और इसका एक ऐलान करा दो, 16 वर्ष से सराफा व्यापारियों के बीच में ऐलान करा दो, जब तक आप सब मिलकर फैसला नहीं करते कोई भी एक व्यापारी हॉलमार्क नहीं होगा। और अगर दिया तो उसी दिन उसका बहिष्कार कर सकते। हमारे देश की जो परंपरा है कि समाज को एक रखने के लिए पहले जो बड़े लोग होते हैं उनको नियम बनाते हैं, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा, जब नियम का पालन नहीं होगा तो उसको समाज बहिष्कार कर सकते। तो जो व्यापारी ले लिया होगा उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं, ना कुछ में ना कुछ, और उसको बता दो कि भाई आपसे मेरा तेरा संबंध खत्म, अब तू तेरा वर्ग और तेरा चार हम तेरे साथ नहीं, क्योंकि तूने विदेशियों का साथ दिया है। सीधी सी बात, उसकी बेटी की शादी का कार्य जा रहा है, उसके घर में कोई फंक्शन जा रहा है, उसको अपने घर में बुलाने के लिए छत मार के पागल हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा हॉस्पिटल में 2 महीने के बाद ही क्या होगा, फिर उसको देखा है होगा कि मैंने गलती किया है, तो गलती ठीक करो, बात से तो बहुत बड़ा, तो ऐसा पूरी एकता बना के रखनी पड़ेगी। और आप जानते हैं जब भी हमला होता है तो एकता बहुत जरूरी होती है, जब भी विदेशी आगे बोलते हैं तो पहले आपकी एकता हो, यही बात मैंने जलगांव में थोड़े दिन पहले कही, जलगांव सराफा एसोसिएशन ने संकल्प करी कि हम में से कोई हॉलमार्क लेगा नहीं, जब रोजगार आया है तो हमसे नहीं होगा, उसके लिए हम लड़ेंगे और उसको रोकने के लिए भी होगा और उसको कंपल्सरी होने के लिए, क्योंकि इसमें संविधान हमारे साथ, संविधान हमारे जो हमारी घटना है कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमको ये अधिकार देता है कि हमारा ऑप्शन है, हम जो करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र है, कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि यही करो नहीं तो घटना दुरुस्त करनी है इस सरकार को, और घटना दुरुस्ती की ताकत किसी सरकार की नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत लगता है, वो भी होती है तो मेरे पास को बतानी है, मेरे अंदर होती है शांति को बताइए, शांति के अंदर होता है सरकार को बताना है, सभी सराफा एसोसिएशन को यह संदेश पहुंचाना है कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के भरोसे में बढ़ेंगे और हॉलमार्क नहीं देंगे। ये काम दूसरा काम का रोज टीवी में जाहिरा बनाया आप देंगे रोज, और वो जाहिरा करेंगे एक जाहिरा आएगा और उसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी और यह हॉलमार्क हमें खर्च करेगी, उसमें यह बताया जाएगा कि वो हॉलमार्क नहीं है वो खरा अकेला नहीं है, ऐसा बताया रोज बताया जाए, और ये भी बताया जाएगा कि जिसके पास कैरेटों की नहीं है वो चीज है। आपको ये दो बातों को खुलासा करने की आवश्यकता है, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप एक माहिती पत्रक बनाए सराफा एसोसिएशन की तरफ, और उस माहिती पत्रक में ये देना कि ये वास्तव में अवकार होता क्या है, उनको मालूम करिएगा, आपको है ना वो जरिया से प्रभावित होगा, वो रोज टीवी में देखेगा कि हॉलमार्क किसको लगा है वो अच्छी है, जिसको हॉलमार्क है वो खराब है, रोज जाएगा जाएगा, और रोज संडे को भी आ जाती है ना टीवी पे सरकार ने एक कोई धारावाहिक बनाया है, कोई सीरियल बनाया है जिसमें एक गलती है वो रोज ये बताती है कि आपका जो अधिकार कंज्यूमर का जो वो कंज्यूमर अधिकार से ज्यादा व्यापारियों को हिट करने का होगा, जो व्यापार को साबित करने का होगा, तो टीवी जाहिरात होगा, सिनेमा में जाहिरात आएगा, अखबार में जाहिरात आएगा, वो जाहिरात पढ़ के ग्राहक आपके पास आएगा और पूछेगा कि चक्कर क्या है, तो आप तैयार रखो एक माहिती पत्र मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, जिस भाषा को ग्राहक पसंद और उसको दे दो पत्र कि भाई इसको पढ़ो, ये चक्कर क्या है, तो ये अमेरिका में जाएंगे हमारा जो यहाँ का स्थानीय पत्र है वो आपको दे देगा, लगे तो उसी को भी प्रिंट आपको हमारा नाम भी आपका अपना नाम भी हमारा सबको कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का
तो आप उस पत्रे का आपको देकर एक पत्रक बनाकर आपको हमारे पुणे में एक जन्मदिन है संजय प्रदेश उनके पास वो पत्रिका अपनी साढ़े दो सौ की संख्या में वो आप बना दो अगर यहाँ नहीं मिले संजय प्रदेश का फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा तो आप वहां से बनाकर उसको हमने तो बनाए हैं लेकिन आप मराठी गुजराती कन्नड़ तमिल तेलुगू दूसरी भाषा में करके ग्राहकों के लिए उसको रखें एक दूसरा एक काम और करने का है अभी आपने जो सभा किया था ना ये आपकी है आप अभी एक सभा रखो ग्राहकों उनको मैं समझा आपके अभिव्यक्ति कुछ ना कुछ ग्राहक सशक्त है आप सभी व्यापारियों के 100 200 500 ग्राहक सशक्त एक बार उसको जाहिर प्रदर्शन कर दे और मैंने तो कोलहापुर के किसी मैदान में रखी ये विषय मैं उनको समझाऊंगा और अगर वो समझ रहे तो वो आपके साथ रहेगी फिर सरकार आपका कुछ नहीं की बात ग्राहक और व्यापारी ये दोनों अगर एक है तो दुनिया की थोड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं की बात सरकार भी उनके साथ जाए और हॉलमार्क वाले भी सरकार के साथ मिल जाए तो हमारा कुछ नहीं की बात जब ग्राहक कहेगा कि मुझे चाहिए नहीं हॉलमार्क तो सरकार और ग्राहक ये कह देगा अगर उसको ठीक से समझा क्योंकि इसमें ग्राहक का कोई हित नहीं है कोई बना उसको एक खर्चा ज्यादा लगेगा क्योंकि ओवरऑल का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वो ग्राहक का ही ट्रांसफर होगा उसको खर्चा ज्यादा लगेगा और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वो टूटेगा आपका उससे जो संबंध है वो टूटेगा और समाज से संबंध अगर टूट जाए तो समाज नहीं चल सकता देश भी नहीं चल सकता तो दूसरा काम आप ये करें तो अभी से संपर्क बनाकर आप बांटना शुरू करो ग्राहक के दिमाग में थोड़ा ये प्रश्न आना शुरू हो दो चार महीने जब आपको लगे कि काफी ग्राहकों को बात पहुंच रही है तभी आप उनकी एक सभा बता दो 1500 2000 5000 10000 जितने भी ग्राहक इकट्ठे हो गए उनको मैं साथ बांटने के लिए समझाऊंगा और इस पर मैंने एक फिल्म बनाई है सीरीज फिल्म बनाई है वो मैं उनको दिखाऊंगा और पूरा डेटे यूरोप और अमेरिका में जो आधार को लाया गया हमारे देश में स्थिति क्या आवश्यकता है या नहीं वहां की परिस्थिति क्या है यहाँ की परिस्थिति क्या है वो पूरी बात जब उसको समझ में आ जाएगी वो खुद ही कहेगा कि हमको हॉलमार्क नहीं चाहिए जब उसने कहना शुरू किया तो इनको हम बता रहे कि हॉलमार्क देते हो उनके सामने अभी तुम बोलो ये खरीदने वाला है कि हम मुझे नहीं चाहिए तुम बोलो तो सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है ये कि हम समुद्र कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं सरकार में ताकत नहीं बहुत कम को रह सकता इतनी कमजोर सरकार है कि जरा भी पर धमकी के आने पर हम सामने से सरेंडर करते और ये अच्छा होता है हमारे पहले सरकार इतनी कमजोर नहीं होगी अभी बहुत कम होगी क्योंकि हर में गिरने का डर अभी जो सरकार चल रही है उसमें 23 पक्ष हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एक पक्ष भी निकल आया धराम से भी है तो जब जिस जमीन में आकर सरकार को घुमा कर और जिस सरकार में कई राजनीतिक पक्ष ऐसे हैं जिनको हॉलमार्क नहीं होना वही अच्छा है ये उसका ओपिनियन बन गया है तो ये सरकार को डर है गिरने का और गिरने का डर जब तक सरकार को है तब तक लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फुल मेजोरिटी की सरकार होती है ना वो बहुत खतरनाक है और जब भी भारत में चुनाव होता है और रिजल्ट आते हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला मुझे बहुत खुशी होती है गुणात्मक अपनी जनता मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हमारे लिए सरकार को कभी भी गिरा जा सकता किसी भी मुद्दे से छुपाया जा और ऐसा हमने कई बार करते हैं इसलिए सरकार कमजोर है जिसमें ज्यादा बल नहीं है लेकिन वो मुझे बुला नहीं सकते सवाल नहीं करते उनके लिए मैंने दो कैसे बने दो घंटे एक एक घंटे की दो कैसे वो कैसे कहां भी है आप लेके जाओ और उसकी कॉपी बना 1000 2000 5000 कॉपी आई थी मैंने आपको सबको कॉपी करने का है उसकी कैसे कॉपी कॉपी करके आप अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दो ग्राहकों के साथ आपके दूसरे व्यापारियों को देना शुरू कर दो शांति के तरफ पर व्यापार को दे दो यश के तरफ पर व्यापार को दे दो कम से कम इतना करो कि 2-4 महीने में पूरे महाराष्ट्र में वो फैल जाए ये जब फैल जाएगी तो फिर आप एक ऐसी तैयारी करो कि
जलगांव का नहीं करेगा, एक एक शहर का, फिर मिलना सिर्फ महाराष्ट्र का, फिर थोड़ी आगे और फिर उनके गुजरात का, तो सभी राज्यों से अगर ये होने लगा सरकार को कोई कम नहीं। वो तो दो मिनट में कहेगी भाई तुम नहीं दे रहे तो छोड़ो, हमारा ये डिपार्टमेंट कम कर। जैसे शुरू में आईएसओ का चक्कर चला था, नए नए लोगों ने बहुत दे दी, अब उनको जब खेल खत्म में आया आपको ये दे रहा है, तो आइए वाले भाई वाले देखते हैं काम काम देखते हैं, मुझे बहुत प्रेम है। तब भी मैंने सबको ये समझाया है कि ये रोते तो आप ही को नुकसान होने वाला है, जो देने वाले को धंधा करने के लिए बैठे आप समझ में आया है। तो ये जो हम वहां धोखा खा चुके हैं उसका यहां पर लोग जुट रहे हैं, तो शायद हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसमें मुश्किल छुट्टी नहीं है, मुश्किल बस एक ही जगह है, आपकी एकता नहीं टूटनी चाहिए, आपके आपस के संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। हमने सामने पूरी से संकल्प किया वो सबको दिखाने का। और दूसरी एक जगह और करूं कि मैं तो आया आपको तो समझा के गया, बहुत लोग आएंगे आपके बीच और हमारे देने वाले भी आएंगे और एक बड़े बड़े धंधे में लगे हुए लोग भी आएंगे, वो आपको समझाएंगे तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुन। कोई करोड़पति आकर आपके सामने बात कर रहा है तो वो बहुत सच होगी, ये आपके आत्मा क्या कह रही है, अंतर आत्मा क्या कह रही है। मेरी अंतर आत्मा ये कहती है कि हजारों साल की परंपरा से जो विश्वास बना है आपका तो ज्ञान था, अगर हमारे इसमें चुका तो ये चिंता है ये सबसे बड़ा और हमारे 20,000 रुपए का ले लेंगे, 20,000 रुपए तो बड़ी रकम नहीं, लेकिन उसके लेने ही जो विश्वास करने का मतलब बताया ग्राहक कहेगा अच्छा अभी तक आपको इतना हॉलमार्क का दिया इसका मतलब बढ़िया था, अब हॉलमार्क वाला ज्यादा अच्छा है, व्यक्ति ये ज्यादा चीनी जितना हो सकती है वो आपकी यात्रा में जल्दी रखता हूं, तो ये विश्वास करना सब निकल जाएगा, हमें वो विश्वास करना ये मेरी आपसे विनती और यही मेरी आपसे गुजारिश है, साधना है कि आप इस संदेश को देखने के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं। मैंने सबसे पहली सभा इस विषय पर नागपुर में की थी, आज मुझे खुशी है कि नागपुर से होकर जलगांव में हुई, जलगांव के बाद अपने गुजरात में हुई, कल को सांगली में होगी और औरंगाबाद में होगी, धीरे धीरे सब महाराष्ट्र का संदेश पहुंचेगा, बाद में गुजरात में और दूसरे राज्यों में, और बाद में हमें एक माहौल पूरे देश में बना देगी कि बहुत सारे ज्यादा ज्यादा जो खड़े होकर कहते हैं हमें नहीं चाहिए, और सरकार को हमें इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की अगर सहयोग नहीं है सरकार को नहीं। और ये बात महात्मा गांधी ने हमको सिखा कर गए कि जब सरकार बहुत अत्याचार करने लगे तो करो और परीक्षा करो, दो मिनट में सरेंडर कर दे, और गांधी ने 300,000 से अंग्रेजों को सरेंडर करा दिया, तो ये जो स्थिति है ये जो आगे चलना पड़ेगा, अंग्रेजों की आगे को 50 देशों में आगे चलना पड़ा, गांधी जी ने उनको भी सरेंडर कर दिया, मनमोहन सिंह का 850 देशों में नहीं चलता है, भारत में भी ठीक से नहीं चल पाता है, तो ये तो दो तरह का सरेंडर करेंगे, इसमें कम नहीं है। आपकी एकता अगर बड़ी है, ग्राहकों का आपसे जुड़ाव है, तो ये बिल्कुल आसान है। और तीसरा आपके काम ये करो, आज से आपके ग्राहकों को बोलो कि देखो भाई एक 50 पैसे का पुरस्कार नहीं है, 50 पैसे का एक पुरस्कार दिया किसको, उपभोक्ता राज्यों के मंत्री, उसमें ग्राहक के लिए आप लोग के लिए ग्राहक के लिए कि हमसे बिना पूछे आपको इनका हॉलमार्क कैसे जाएगा, ये तो ग्राहक की पोजीशन से आने की बात, सरकार को सरकार को मैंने जाए आगे को हमें नहीं, हम वोट देते हैं वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं वोट भी देते हैं, मालिक को हम है, हमने तो नहीं कहा आपसे हॉलमार्क किया, किसी ग्राहक ने कहा, मैं ग्राहक हूं, मैंने आज तक नहीं कहा कि आपसे हॉलमार्क चाहिए, मेरी आई ग्राहक है उसने आज तक नहीं कहा हॉलमार्क चाहिए, हमारे देश के करोड़ों ग्राहक है जिन्होंने कभी नहीं कहा, मुझे याद नहीं है कि कभी किसी गांव में रैली हुई हो मुंबई में दिल्ली में ग्राहकों की तरफ से कि हॉलमार्क होना ही चाहिए, ऐसा हमने नहीं कहा, कुछ उपभोक्ता संगठनों ने जरूर कहा लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी मैंने उनसे पूछा, तो कहते हम तो चलाते हैं विदेशी पैसे से अपना संगठन है, तो वहां से जब इंस्पेक्शन आता हम भी पूछते हैं, हमको आई नहीं है, एक उपभोक्ता संगठन को मैंने पूछा तुमने कैरेटोमीटर देखा है, तुमको मालूम है वो सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर ये काम करता है, जिंदगी में कभी कैरेटोमीटर नहीं देखा लेकिन अभियान चला दिया कैरेटोमीटर लगाओ कैरेटोमीटर लगाओ, मैंने कहा भाई कैरेटोमीटर
कंप्यूटर में ज्यादा क्रिटिक होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जब खराब हो जाए तो कुछ काम दोबारा करना पड़ता है। आज ही का डिमांड जब भी खराब नहीं होता तब इतना जल्दी होगा। एक छोटे से हिस्से को ही चेक कर सकता है, वो शायद 0.5 मिलियन का हिस्सा भी नहीं होगा क्योंकि उसकी जो टीम है तो जान तो जा नहीं सकती है। टीम तो सेंट्रलाइज होती है, एकदम छोटे से हिस्से पर होती है तो सपोज करो कि जिस हिस्से पर टीम तारीफ हो रहा है बाकी छोटा है कोई पता ही नहीं कर सकता और आपको तो ये कह रहे हो कि फिर से चेक कराया इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो आप अपने ग्राहकों को अगर ये समझाना शुरू कर दें तो उनकी समझ में बहुत आसानी से आ जाए। और मैं आपसे कहता हूं कि हाथ से छूकर और आंख से देखकर जितना अच्छा परीक्षण होता है वो कोई मुश्किल नहीं है। हाथ से छूकर और आंख से देखकर, क्योंकि ईश्वर ने हमको जो पंचेंद्रियां दी है उनमें से स्पर्श और दृश्य सबसे प्रभावकारी है। तो हमको हाथ से छूकर आंख से देखकर बता सकते हैं कि सोना कितना खराब कितना होता है। मसीह को कभी बेटा नहीं बताता। दिल्ली में अपनी एक दुकान में मैं गया था, बहुत बड़ी दुकान है, कौन सा सिंपल जाएगा कौन सा ज्वेलर है इनकी दुकान पर मैं गया था। सहयोग से कह रहे हैं खराब होगा, सहयोग से खराब होगा, कुछ का कुछ भी नहीं खा रहा मेरे का भाई इसको फेल होगा, नहीं तो आपका भी दिमाग खराब होगा ग्राहक का भी खराब। क्योंकि ये जो रीडिंग दे रहा है वो वास्तविक नहीं है और इसके खराब होने के चांस इतने ज्यादा है थोड़ा बारिश जाती है और ह्यूमिडिटी बड़ी मौसम तो उसी समय के खराब ह्यूमिडिटी माने मौसम में थोड़ा नमी बढ़ गई नमी। ये टेरर मीटर यूरोप में आ रहा अमेरिका में आ रहा क्योंकि यहां के मौसम में नमी नहीं है सुखाई से कहा जहां नमी बहुत है मौसम में बाढ़ में खराब हो जाता है। बारिश से चार महीने में बिल्कुल सही बात कहेगा भरोसा नहीं और इलेक्ट्रोमीटर बनाने वाली कंपनियों को कहती है कि हमारी लिमिटेशन हर मशीन की एक लिमिटेशन होती है उनकी अपनी लिमिटेशन है वो एक पॉइंट को चेक कर सकता है पूरे दाखिले को कमी चाहिए। तो ये ग्राहक को अगर आपने बता दिया कि भैया ये तो इतना बड़ा दाखिला है इसके एक ही पॉइंट को जो चेक कर रहा है जरूरी नहीं है कि पूरा दाखिला वैसा ही हो, इससे अच्छा कई बार को भरोसा करो वो मन दो क्योंकि अब तक वो छह मेरे को मीटर में ही खरीदता आया है। ये तो सरकार ने खास रूप का लगा दिया हमारे पीछे कि कैसे भी करता हो उससे स्टैंडर्ड बनता है ये नहीं आओ स्टैंडर्ड उससे नहीं बनता है चीप भी बनती है और यूरोप में बहुत चीप भी चीप कैसे भी करते होती है और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा चीप भी किसी को आपस में कोई भी मतभेद ना हो जाए मतभेद हो जाए तो उसको समझाने समझाने की कोशिश करो मतभेद ना हो और कोई चुपचाप जाकर हॉलमार्क में लेके आता ले आया तो उसको सामाजिक बहिष्कार करके तुरंत बता दो दूसरे का भी नहीं होगा। और तीसरा ग्राहक को थोड़ा समझाना शुरू कर दो और बाकी काम ऊपर के स्तर पर जब केस करने का सुप्रीम कोर्ट में जाने का पार्लियामेंट में बिल को रुकवाने का खासदार को महंगी देने का वो सब हम और हमारी कल्पना करने ही वाले हैं और हमने तो ये संकल्प पहले से लिया नहीं हुआ है। हमारी तो लड़ाई हर विदेशी कंपनी के खिलाफ है चाहे वो हॉलमार्क एशिया या कोई विदेशी कंपनी कदम रखे किसी भी तो हमको अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। आप नीचे से हम ऊपर से दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग पर लड़े तो जरूर इससे हम सफल हो जाएंगे। असफल होने की कोई बात नहीं है पर ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जब हमने सरकार को झुकाया है सरेंडर कराया है। अभी जो रक्षा का समाधान मैं आपको बताता हूं 58 साल से सरकार गाय की रक्षा करा रही सरकार 58 साल आजादी जब से गई उसके पहले अंग्रेज सरकार गाय की रक्षा करा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने कतर खाने भारत में चलते हैं उन कतर खानों में सबसे पैसा सरकार करता है कैसे लगाते हैं कोई व्यक्ति कतर खाने खोलना चाहे सरकार उसको कंप्लीट सब्सिडी देती है 100% सब्सिडी। अगर आप कोलहापुर में कतर खाना खोले तो जितने रुपए का कतर खाना बनेगा उतना उतना रुपया सरकार आपको देगी आपका कतर खाना खोलना शुरू होगा। और आप कोलहापुर में गौशाला खोलो तो सरकार इतनी हरान हो रही है पैसा नहीं मिलेगा
गाय बांधने के लिए नहीं, गाय काटने के लिए पड़ता है। 58 साल से यही चल रहा है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही, पिछले 7 साल से केस चालू था, 3 संस्थाओं के तरफ से हमने केस किया था कि सरकार करवा रही है गाय का कसाई, कसाई को कर रहे हैं क्योंकि ऊपर ना मिल रहा, सरकार दे रही है सब्सिडी, तो सरकार की सब्सिडी के प्रश्न पर सब केस खुला और उनके सारे अधिकार हमने ध्वस्त किए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भारत में एक भी गाय नहीं करनी चाहिए और अगर करनी तो सरकार की जवाब। अब सरकार पहुंचना ही नहीं, क्योंकि इस जजमेंट को कानून बना के लागू करने में उनको तकलीफ आ रही है। तकलीफ क्या है, बहुत सुधारी है जिन्होंने 2000 से पैसा बनाया है और बना रहे हैं, मीट एक्सपोर्ट करके पैसा बना रहे हैं, बहुत सुधारी है, उनके कदम खड़े चल रहे हैं, अब उनका धंधा बंद होने का डर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर कानून नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा हर राज्य। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया कि हम तो जल्दी से बनाएंगे, राष्ट्रपति का सही कराएंगे, कर्नाटक में भी होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी है, संकल्प है, सच्चाई के साथ है, तो कोई भी सरकार आपके साथ नहीं है। 58 साल से जो गाय की हत्या चल रही थी, सरकार जिसमें लगी हुई थी, आपको बंद हो जाएगी बोले गाय है, गाय का कोई प्राणी अगर कटा तो पुलिस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री किसी की भी फैल और अपने दूसरों के स्पष्ट लिखा हुआ कि जिस पुलिस स्टेशन के सामने से गाय गुजर गई उसके ऑफिसर की जिम्मेदारी के साथ। तो ये हुआ है, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं, कभी भी आप निराश मत करिए, कभी भी जब हम सोचिए ये होगा कि नहीं होगा, आप ईमानदारी से संकल्प के साथ एकता बनाकर चलते चले जाइए, हर काम होगा। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करने आया कि आप अपने बीच में पहले एकजुट बनिए, संकल्प ले लीजिए कि हम जब तक सब मिलकर तैयार करेंगे कोई हॉल मार नहीं मिलेगा और ये माइटी धीरे धीरे दूसरे गाँव में चलाना शुरू कर दे। मैंने इसके लिए जो पैसे बनाए हैं वो आप ले जाइए, मेरे स्वाद में है, उनको बांटिए, कॉपी करिए, हजारों की संख्या में जो को दीजिए और वो एक पत्रक चाहिए जो आपसे कहा बनाने के लिए, वो पत्रक हमने बनाया है हमारे सुनने का है, आप उसे बना लीजिए, पूरा ऑफिस में बना हुआ है, संजय प्रदर्शी को फोन कर दीजिए, वो भेज देंगे और आप फिर उसकी री कॉपी करेंगे, रीप्रिंट करिए, हजारों लाखों की संख्या में बांटिए और बांटना शुरू कर दीजिए। बोले जैसे ग्राहकों को जब से समझ आ रहा है तो ग्राहकों की एक सपा बताइए, फिर उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा, तो आप क्या पाना जो ग्राहक के एक हो गए तो फिर के दौरान आगे बढ़ेगी और शायद हम उसमें ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। और एक छोटी सी चलते चलते बात करके आपके कुछ प्रश्नों को जरूर दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करें तो उसके लिए एक छोटा काम और करें कि आपका मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे, ये बहुत आसान है। कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे, क्योंकि बुद्धि से मदद मिलती है सोचने में, मन संकल्प करा और शरीर उसको हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है, चाहे किसी की कमी नहीं, कोई भी बड़ा काम करने के लिए देखो तो पहले स्वयं स्वस्थ बनो, तब एक काम आसान है। नहीं तो क्या होता है कि इस तरह के काम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट और वो करने वाले बैठे हुए और इस मेंटल टॉर्चर में जो टूट जाता है तो वहीं से काम खराब होता है। तो आप मेंटली साउंड रहे, मानसिक रूप से आप में शक्ति रहे और शरीर में भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहे, इसके लिए मेरी एक छोटी सी बात है जो आप स्वीकार कर सकते हो, आप अपने रोटी को थोड़ा व्यवस्थित करिए, खान पान को थोड़ा व्यवस्थित करिए ताकि बड़ा काम करने की शक्ति आपको मिले। थोड़े दिन में क्या होगा कि जब आप अपनी ताकत के घर रहेंगे तो सरकार वाले नहीं बैठेंगे, कंपनी में आप करोड़ों का घर रहेंगे, ये जो भाइयों को रिश्वत देते हैं दर्ज देते सूचना को खेल जा रहे हैं वो समय आपको बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति की जरूरत है। तो आप अभी से थोड़ा अपने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें तो ये आपका आ जाएगा, कि शरीर बहुत सुरक्षित रहे, रेजिस्टेंस वाला रहे और मन में शक्ति बहुत रहे, संकल्प रहे। इसके लिए चार उपाय हैं, सबसे पहला कि आप भोजन के बाद पानी पीना बंद करें, 1 घंटे के बाद पानी भोजन के बाद कम से
पीना पड़े तो ताक के दूध के जूस के पानी एक ताक के क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा प्रभावित है जब आपका खाया हुआ भोजन दूसरा पच गया जो कुछ खाया है उसका पाचन होना बहुत और पाचन होने के लिए एक सवा घंटे का समय लगता है और भोजन के पाचन होने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो पानी है क्योंकि भोजन को पाचन होने के लिए पेट में गर्मी रहती है जिसको जटका नहीं कहते और पानी अगर दिया तो अग्नि शांत होती है तो फिर पछता नहीं तो आयुर्वेद का सरल सूत्र है कि शरीर को तंदुरुस्त रखना और मन को ऊर्जावान बनाना तो इसके लिए भोजन के बाद पानी ले लेना एक साल के बाद ये नियम आप धारण करो तो आपकी 50% बीमारियां शुरू हो जाएंगी मन बुद्धि शरीर के नियम एक साल दूसरा एक नियम है कि पानी होने में ठंडा नहीं होती हमेशा कोमल ठंडा रुकना कभी पीना तो कोमल ठंडा रुकना जितना गर्म चाहिए उतना गर्म पानी ठंडा पानी पीना जिससे बहुत कम होता है ठंडा पानी और ठंडा पानी पीने से दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ होती है पक्षी जो बन जाता है पक्षी में और उसमें से दूसरी बहुत सारी बीमारियां भी चलती तो ठंडा पानी पसंदना चाहिए हल्का कुछ गर्म पानी फिर इसका पानी की तरफ का तीसरा नियम पानी कभी भी एक साथ नहीं देना थोड़ा थोड़ा सिर्फ करके पीना बहुत दूर कर देता है एक बार पहले से फिर आपने थोड़ी देर बाद दूसरा फिर तीसरा एक ग्लास पानी के लिए 15 मिनट लगा एक साथ एक मिनट में नहीं रजिस्टर सबसे कम इसी से होता है तो लगातार पहला पानी तो पानी खूब पीना हल्का चौबर पीना भोजन के बाद पीना और सवेरे उठे सबसे पहले पानी तो ये चार दिन का पालन आप करेंगे तो बाद में फिर आप तीनों आपके संतुलित रहेंगे और इस तीन के संतुलन से ही रेजिस्टेंस आता है प्रतिकार शक्ति आती है और मन बुद्धि शरीर तीनों एक साथ एक लय में काम आप ये नैतिक गाना तो रेजिस्टेंस को बहुत नैतिक गाना छोटा छोटा पीछे करना होता है उसको रात को पानी में डालने सवेरे उस पानी को पी तो ये नैतिक गाने से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है और खून को बराबर साफ करती रहती है अगर आपका खून स्वच्छ है पवित्र है तंदुरुस्त है तो कोई बीमारी नहीं होगी और कोई शरीर में कहीं पर कमजोरी होगी तो ये नैतिक गाना बिल्कुल ठीक है जैसे डायबिटीज है तो सबसे कमजोर शरीर डायबिटीज आदमी का होता है मन भी कमजोर होगा शरीर भी कमजोर आप में से किसी को भी डायबिटीज है तो हाथ से नहीं डालना पानी में डालो सबसे पानी और इस नैतिक गाने से घुटने का भी लग जाएगा कमर का भी लग जाएगा डायबिटीज चली जाएगी मन बुद्धि शरीर तीनों तंदुरुस्त करेंगे और अंत में ये नैतिक गाना आपको वज्र जैसा बना देगा शरीर एकदम इतना कठोर हो जाएगा कि आसानी से दूसरी बीमारी नहीं आता ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है हमारे शरीर में गर्म है दालचीनी दालचीनी का पाउडर शहद के साथ या गर्म पानी के साथ देंगे तो भी शरीर का पानी जरूर जाएंगे शरीर दुरुस्त हमारे घर में ऐसी जो बहुत अच्छी औषधि है हल्दी स्वयं का घर हल्दी नियमित रूप से आप प्रयोग करो थोड़ा दूध में डालकर लेते रहो बहुत सारी बीमारियां कमी आती है और ऐसे ही हमारे स्वयं का घर में बहुत अच्छी औषधि है जीरा पेट की कोई तकलीफ होगा जीरे का पानी ले हमारे स्वयं का घर में 148 औषधि है उन पर बराबर नजर रखो कभी भी तकलीफ होगा तो उनका इस्तेमाल करो क्योंकि डॉक्टर के यहाँ से आपको दवा करो तो सब रेजिस्टेंस को कम करने वाली है एलोपैथी में एक भी औषधि नहीं है वो एलोपैथी वाले को कहते हैं हमारे पास जहर है वो खुद है और आप एक बीमारी से दूसरी बीमारी में ढूंढते रहे एलोपैथी कभी भी संपूर्ण स्वस्थ नहीं रहते संपूर्ण स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद में ही संभव है और आयुर्वेद का सबसे अच्छा हमारा रसोई घर में स्वच्छता घर में शेष है उसका आप बहुत इस्तेमाल करो और अंत में बन सके तो अगर शरीर को अच्छे से ताकतवर मन बुद्धि संकल्प के साथ चले वो मूत्र थोड़ा भी देसी गाय का मूत्र बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए मैं 6 साल से हजारों लोगों को इसका प्रयोग किया अद्भुत शक्ति आई मरे हुए देश की स्थिति में पड़े हुए पेशेंट चलना शुरू करके आठ रुपये को दो मूत्र लगा सकते तो 25-30 मिलीलीटर लोगों को सवेरे कर सकते आप ले सकते हैं खाने को बीमारी है तो जरूर लो नहीं है तो भी ले
बीमारी कुछ भी हो, नाम उसका कुछ भी हो, वो सभी की कैपेसिटी रखते हैं, वो उसमें सत्रह औषधियां और वो पूरे शरीर को दुरुस्त करने के लिए काफी है। तो ये थोड़ा आपको लेकिन सावधानी से चलती है कि जो गाय का देशी गाय है जैसे विदेशी है, क्योंकि विदेशी गाय काम कर रही है, दूध भी उसका काम कर रही है, काम देशी गाय का भी दूसरे काम का है, विदेशी गाय का उल्टा परिणाम है, रोग ग्रास हो जाता है। देशी गाय का काम करेंगे पिताजी खरपाल साहिबाल कांकरे जी देवरी अमृत महल जो भी हमारे इलाके में चावल होता है उसका ही आप लोगों ने देशी गाय रखी है तो जो औषधा भी पता करते सब लोग मिलकर एक छोटा सा पानी इकट्ठा करो एक औषधा पता करो दूध भी मिलेगा और उसका शेड मिलेगा तो शेड का भी उनको दे देगा उनको भी लाभ हो जाएगा। यूरिया डी एपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय के शेड से अच्छी खेती होगी तो समाज का भी भला कर सकती हो और आप अपना भी बना सकता हूं और दूध कभी भी पीना तो गाय का ही पीना बेहतर नहीं करेगी क्योंकि भैंस का दूध पीने से आपकी शक्ति ही नहीं रहेगी। हमारे देश के लोगों ने 20-25 साल से भैंस का दूध पीना शुरू किया तो जहां देखो वहां गिरावट 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 कारण इसका क्या भैंस का दूध तामसिक और वो तमस वाला दूध पीकर सबकी दुखी भी कैसे हो जैसे भैंस मुक्ति सब क्यों इसलिए आप गलती है बच्ची और भैंस को देख लो ना समझ में आ जाएगा कहीं घटी हो जाएगा घटती नहीं है अपने डंडा करना पड़ता है जो बच्ची है सामने जो कट आ गया पीछे जो बस आ गया और नहीं हो जाए जो भी घटती है क्योंकि अकल नहीं है उसको बुद्धि नहीं है भैंस कभी भी किसी का जाकर बैठे नहीं दूसरे को फिकर भी नहीं है और इतनी भूख खोलती है कभी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है एक भैंस का बच्चा दूसरे के साथ चला जाता है दूसरे का पहले चला जाता है और भैंस का बच्चा बनता है उसका भर खड़ा करते हो तो दूध दे देती है भाई भी इतनी लंबाई करती है तो ऐसी भैंस का दूध मत पियो और अल्लाह के पास जाए तो अल्लाह के पास जाए भैंस सिर्फ अल्लाह के पास ही है सोचो और मुझे बड़ा दुख होता है कि कोलापुर आता हूँ भैंस ही भैंस दिखाई देती है हम लोग भैंस का दूध पी रहे हैं तो इसलिए थोड़ा कुछ थोड़ी बदल दो आप थोड़ा गाय रखो गाय का दूध पियो तो ये आगे आपको शरीर के काम आएगा और भारत की आने वाली जनरेशन के भी काम और मैं इस विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। आप चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं इसका उत्तर मैं देने की पूरी कोशिश अब इंजन में काम करता हूँ अपनी तरफ से तो इंजन एड्रेस कभी भी प्रश्न का शेयर सेशन है हमेशा मैं आपके उत्तर के लिए तैयार हूँ। मेरा फोन नंबर है 9494881 9448 1 1 4 4 8 1 1 4 4 8 1 4 5 3 1 और इसे सबसे आगे से मुझे जरूर लगता है क्योंकि मैं उसे कार्ड करना चाहता है इसे बोलेंगे तो ये वो फोन नंबर है एक और उसका फोन नंबर लिख लीजिए वो मेरे ऑफिस का है बड़ा ऑफिस जो हमारा मुख्य कार्यालय है 0718 52 0718 52 एसपीडी को और फोन नंबर है 5603 5603 जो पता मेरा है राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा बस इतना ही राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा सेवाग्राम गांव है वर्मा के पिन कोड 482 102 नीचे भारत और अगर ईमेल एड्रेस देखना हो तो ईमेल एड्रेस है राजीव दीक्षित RAJIV DXIT ABA ये देखी शब्द है राजीव दीक्षित ABA @rediff.com तो पत्र लिखकर फोन करके या ईमेल से कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आपने एक दो प्रश्न पहले ये तो मैंने प्रश्न देखे पहले मेरे मन में शंका है इसका मैं निरंतर जाता हूँ मेरा मन वाजे बजा पे वाजे बजा पे धान्य सब आ रहे हैं मेरे को लगता है उसमें एक फायदा है जमींदार के सोने बजा को मतलब जमीन है
आज फायदे मजे में दाल है, दाल का भाव 25 रुपए से उससे आज छोटी का कुछ आपको मालूम है, और छोटी का कुछ छोटी का कुछ दाल वो जो दाल क्षेत्रीय जो वर्ग बनाता है उसको इसकी आमदनी बढ़ती है, इससे क्षेत्रीय वर्ग की आमदनी बढ़ती है। और आपने व्याख्यान में कहा है, खुद आपने कहा जो क्षेत्रीय वर्ग है उससे आज थोड़ा अपना जुड़े थे, उनके घर में शादी है तो हमारा सीजन है या तुम तक सब जानते हैं, तो अगर उनके पास पैसे तो हमारे पास भी पैसा आएगा, तो मैं इसका आपको स्मृति करना। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस वस्तु आमदनी बहुत बढ़ता है, और जिस तरह की आमदनी से बढ़ती होगी तो महाराष्ट्र में जो इस आत्महत्या नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में 70 लाख शेतकड़ी कापूस उत्पन्न करते हैं, सबसे ज्यादा शेतकड़ी कापूस के लिए महाराष्ट्र, फिर दूसरा है 45 लाख शेतकड़ी ऊस उत्पन्न करते हैं, लगभग 47 लाख शेतकड़ी हैं जो ज्वारी बाजरी गेहूं उत्पन्न करते हैं, और उसमें से 5 या 7 लाख शेतकड़ी हैं जो तुरंत की दाल उड़द की दाल को भी निकाल सकते हैं, ये महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा शेतकड़ी है कापूस से, काफी फायदा बाजार पर है आपको मालूम है, खेती उत्पन्न में सबसे पहले कापूस की आयता फायदा है। आज स्थिति ये है कि 5 साल पहले कापूस को 3600 रुपये क्विंटल भाव था, अभी वो 1700 रुपये क्विंटल है, तो ये फायदा बाजार आसमान पर चढ़ा के जमीन पर जब गिराता है ना तो अन्नता आत्महत्या करेगा। शेतकड़ी समाज ने क्या क्या मैं बता रहा हूँ, जब आयोग बता शुरू हुआ ना 5-6 साल में सबसे पहले कापूस आ गया, पर्याप्त हुआ 2600 रुपये 2700 रुपये क्विंटल भाव दिया सरकार ने भी दिया, शेतकड़ी वर्ग को क्या लगा कि कापूस बहुत जास्ती करो भाव हुआ ना कापूस ही कापूस 70 लाख शेतकड़ी का भी बाकी सब खेती छोड़कर कापूस को लगा। अंत में क्या हुआ, वायदा बाजार में जो खिलाड़ी है ना वो भी दिमाग रखते हैं, उन्होंने यहां के 70 लाख शेतकड़ी को कापूस से लगा के खराब से उस बाजार को लिया, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में है सरकार, तो जो 2600 रुपये क्विंटल था 1700 रुपये क्विंटल था, अब स्थिति यह है कि जो शेतकड़ी ने बाकी सब बंद कर दिया कापूस आधारित खेती उसको फिर थोड़े दिन के बाद सरकार ने कहा अच्छा अभी तुम ऐसा करो बीटी कॉटन करो, तो बीटी कॉटन लगा दिया 50 रुपये का पहले बीच आ रहा था और 1800 रुपये का आ गया, अब बीटी कॉटन करो तो ये खर्च लगाओ ये खर्च लगाओ, परिणाम ये हुआ कि शेतकड़ी को 1 हेक्टेयर खेती में 12,000 रुपये का खर्चा हो गया, और 1 एकड़ खेती में जो कापूस उत्पन्न होकर बाजार में बिकता है तो 8,000 7,000 9,000 12,000 खर्चा है, अब वो 3,000 का जो घाटा होता है पूर्ति करने के लिए कर्ज लेता है और कर्ज का ब्याज भरता है फिर कर्ज लेता है, और जब देने की ताकत में होती है कल्पना की बात है, लाभ होता है एजेंट मेरे आपसे एक निवेदन है, आपने हॉलमार्क के विरोध में एकजुट सब होना चाहिए ऐसे बोला, अच्छा ये हॉलमार्क है इसके अंदर समझो हमारे पहले अपन अपने सभासद वो भी ये बारे में पहले सोचना चाहिए, हम लोग गहने के ऊपर 23 कैरेट से हम मारते हैं और एक्चुअली दागिना हो 20 कैरेट का हो 75% है 78% है 80% है, अच्छा गवर्नमेंट लागू करना चाहती है तो उसका सर्वे कर कल उदाहरण का कुछ दिन इसी तरह की दुकान में जाने उधर से दागिना लिया 23 कैरेट का स्टैंप देगा मगर एक्चुअली दागिना हो 20 कैरेट का निकला, अच्छा उसकी गुंडी खराब हो जाएगी, जब अपन उनके साथ ऐसा बताओ करेंगे हम नहीं करना चाह रहे हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे तभी वो कोई ना कोई तो कदम उठाएगी जिसकी वजह से अपने शराब को भी उसका त्रास हो सकता है, तभी समझो कि वो 75 टच का दागिना है और वो सब पेपर में आ गया और उसकी गुंडी जो विश्वास जो हम बोल रहे हो जिस विश्वास से अपन काम करते हैं वो विश्वास उस टाइम 100 वर्ष का विश्वास 1 मिनट में टूट जाएगा, तभी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। ये बहुत बेहतर चीज है कि अपनी सच्चाई आप मत छोड़ो, क्योंकि ये जो है ना धर्म की वजह से आपकी सच्चाई आपकी ताकत है, आपका ग्राहक आपकी ताकत है, आपकी सच्चाई से आप अगर कमजोर पड़े तो लड़के आप साथ में ये आप सच्चाई आपके बच्चों को माने जितने कैरेट का दागिना है उतने ही कैरेट का बोझ होने चाहिए,
आप निरंतर कहते हो तो मेरा दावेदार 20 कैरेट का है, 40 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 23 कैरेट का, कीमत कहते हो उसमें ये है कि 23 कैरेट का है, बाकी 50 कैरेट का है, 19 पता नहीं, क्योंकि ये बात सही है, ऐसा थोड़े दिन में होगा। जब 2008 में कंपल्सरी करेंगे ना हॉलमार्क, तो एडमिशन सर्वे करेंगे या एडमिशन आपके यहाँ आकर चेक करेंगे, और वो ये होगा किसी भी दुकान में थोड़ा भी हमको ताकि का मिला उस पर क्लेम कुछ किया गया है वास्तविक पर कुछ भी नहीं, तो उनको आधार मिलेगा, आपको ताली दे देगा, और वो फिर पूरे सराफा बाजार को बता देंगे एक व्यक्ति की कमजोरी है पूरे समाज को अच्छी देगी। तो आपको मैंने ये बात कही है कि जैसे आपने संघर्ष करो उसमें बहुत सारी थी, वैसे आपको सिर्फ नहीं कर आप संघर्ष करो कि आप हमारे सच्चाई नहीं कोई बोल रहे हो नहीं। इसमें मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि बहुत बार क्वालिटी की कोई गारंटी ना हो, तो इसमें कम क्वालिटी के टारगेट में भी बहुत बार मिलता है और अच्छी क्वालिटी में भी मिलता है। अगर गवर्नमेंट गारंटी पर सुविधा सुधार उसे उर्वरक दे सिर्फ नहीं पर सुधार तो बात सही होगी, बच्चा का कितने डॉक्टर का कितने सिस्टम का कितने उससे का मतलब क्या होता है। मुझे आपसे कहना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है कि ग्राहक को दस रुपये की सोने का दागिना मिले, उसका बोलना तो दूसरे दिन का है, अपना निर्माण करते हैं जैसे इसमें वो दूसरे दिन से केस कर रहे ग्राहक को बोलता है कि जरूर की फायदा हमारे कर रहा हो कि एक फायदा हमारे कर रहा हो या ताकि हमारे कर रहा हो वास्तव में नहीं कर तर त्यांना आपण ज्यावेळी हे आपल्याला सांगतात आपण व्याख्यान आणले म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला आणतोय, त्यांचं मार्गदर्शन आपण घेत असताना आपल्याला कुठेही अयोग्य म्हणजे त्याचं निसंदर्भ म्हणून आपण कुठं चुकू नये म्हणून त्याला विचारलं आम्ही आंदोलन करायला सांगितलं त्याला, आणि उद्या आपला माल असा आहे की उद्या कुठेतरी आपण प्रॉब्लेम लागलं तर कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचं नाव त्यात असं कुठेही बोललं जातं। तुला कुठे काय म्हटलं मी मी जो प्रश्न विचारायला अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडस्ट्रियल एक्ट से काम
कि जो मार्ग पर मेरे स्वानंद चित्र होगा वो खराब मार्ग होगा, वो गारंटी हमारी, और वो गारंटी देने के पहले हमको समाज चेक कर लेते हैं जिस पर ये हम देते और जो बनाने वाला है उसके साथ हमारा भी अंडरस्टैंडिंग रहता है कि भाई क्वालिटी गिराएगी तो ये मार्ग हम वापस ले लेंगे आपसे। तो वो क्वालिटी मार्ग का जो रजिस्ट्रेशन है और आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोनों हमारे साथ है। क्वालिटी मार्ग रजिस्ट्रेशन सामने काम करेगी उसमें एक्साइज का प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जब आप ट्रेडमार्क लेने जाएंगे तो उसमें एक्साइज भी आएगा, दूसरे टैक्सेस भी आएंगे। अभी अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आगे वही भी प्रश्न के लिए मैंने आपको खुला हुआ है, आप कर सकते हैं और आपसे भी एक बार रिपीटेशन करते हुए आज से आप कुछ आपस में